अपने पराए की पहचान जो करावे। भरतू का छोरा छोरी भगा के ले गया, जब से उसकी दुर्गति हो रखी है। अरे मैंने तो इतना भी सुना है कि लोंडी वालों ने भरतू के दो चार टेक भी दिए, वो तो पुलिस वालों ने छुटाई लिए ना, तो घना ही काम खराब करने के चक्कर में थे। भाई आजकल के इन बालकों का कोई ढूंढ ना रहा, कौन क्या कर ले कुछ ना भरोसा है। ये जो प्यार हो रहा ना इनका, इसमें अपना सब कुछ भूल जा, ना अग्गा देख रहे ना पीछा देख रहे, ना गाँव देख रहे ना गवांड देख रहे, और बस मुँह समझ लो कहाँ जमाना जान लग रहा, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। भाई भरतू ने अपने छोरे को ऐसा फोन दबा रखा था, मुंह देख के बात होवे थी और उसमें बटन भी नहीं थे। जबी तो भरतू का बटन सा दबा गए वो। प्रधान जी लड़का तो आपका भी ब्याह लाख हो गया है, इंटर में अच्छे नंबरों से पास हुआ था, टाइम रहते ही उसका ब्याह कर दो, तुम्हारे घर की काम मिलने की दिक्कत दूर। ना भाई वो ऐसा काम ना करने का जिससे घर खानदान पे कोई ठप्पा लग जा, समझ गए वो बहुत भला लड़का, रात दिन पढ़ाई में लगा रहे, खेती का भी कोई काम नहीं चपड़न देता, और उसका तो एक ही सपना है कि मैं सरकारी नौकर बन जाऊं। अरे एक दिन उसकी सरकारी नौकरी लगेगी, मैंने उसका काम करवा दिया, दिल्ली भेज रहा उसे पढ़न के लिए, घर का क्या है यू काम धाम तो चल ही रहा है, एक बार वो कामयाब हो जा फिर उसका ब्याह भी करूँगा और धूमधाम से करूँगा। प्रधान जी लड़का तो आपका भी बहुत बढ़िया है और पढ़ाई भी बहुत बढ़िया कर रहा, आपकी सेवा भी बहुत ज्यादा करे, आजकल के बालक कुछ न करते, खेत का नाम लेते ही तो जी सूख जा उनका। अच्छा भाई अब मैं चलूँ, मेरी दवाई का भी समय हो लिया और मोहन भी अकेला ही लग रहा होगा, फिर वो गुस्सा भी तो करे। प्रधान जी आते जाते रहा करो, खाट पे बैठे बैठे शरीर बेकार हो जाएगा, गोड्डे जुड़ जाएंगे। अरे बिल्कुल आता जाता रहूंगा, तुम चिंता ना करो, अरे अभी कुछ ना हो रहा मेरे। राम राम जी, ऐसे हो इंसान, मस्जिद से उठा कर लाए थे मोहन को और दोनों मियां बीबी ने ऐसी कसम खाई थी इस बालक को ही पालेंगे, अपना बालक नहीं पैदा करेंगे। प्रधान जी की घरवाली तो बहुत पहले से गुजर गई थी, इस बालक के चक्कर में उन्होंने दूसरा ब्याह भी नहीं करा, इसे ही अपना मान के चल रहे हैं। डॉक्टर ने घुमन फिरन की कह दी, घर में पानी नहीं दिखता, मुंह उठा के सबका हालचाल पूछने में चल रहे हैं, अपना हालचाल देखते ना है। और खूब पता है मुझे खेत में भी जाना, पानी गर्म करके धरा था, यहाँ नहान की कह के पता ना कहाँ जाते फिरे, हमारी समझ में नहीं आती हमारे बापू के करे के नहीं करता। हाँ भाई क्या है तेरे जी में है? तू फालतू के इस काम में अपने टाइम में आग लगाने लग रहा के है तेरे जी में? अरे एक बात बताइए, तन्ने उसे फुल्लो को क्यों मना कर दिया, वह तो कुल 3000 रुपए पूरे घर का काम करने को तैयार थी। अभी मैं जिंदा हूँ, मैं ना किसी को एक फुट्टी कौड़ी भी, मानस ना मानस की जात, काम करने को नौकर चाहिए, मैं सारा काम अपने आप कर लूंगा, उसे 3000 रुपए दूंगा, इससे बढ़िया तो मैं तुम्हें फड़ी ना खुआ दूंगा, तुम वैसी ठीक हो जाओ। अरे तू मेरी चिंता में तो घुला ना जा, अपने आप को दे लाना कर। सुन मैंने तेरी पढ़ाई का आगे का इंतजाम कर दिया, वो तेरी मौसी का लौंडा है ना सिटी, उसके पास ही अब दिल्ली रहिए, उसके साथ ही रह के पढ़िए। वाह जी वाह, मतलब क्या कहने, तुमने तो मेरे तक पूछी भी ना, तुम तो मुझे छोरी मान रहे हो, बिना कहे जहाँ ब्याह कहोगे वहाँ ब्याह कर लूंगा, और फिर नु कह दियो हमारे खानदान में तो ऐसी हो गए। हाँ मैं कुछ कह नहीं रहा, तो मेरा बापू बनने को तैयार हो रहा, साले के गात में ऐसी लाठी दूंगा लोचता फिरेगा सारे पकड़ में कू। तुम अब चे लाठी मारो चाहे तो तुम मेरे हाथ पांव तोड़े घेर दो, पर मैं तुम्हें छोड़े कहीं नहीं जाने का। जागा जागा जागा, तेरा तो बापू भी जागा समझ गया, तेरी फीस भी पुछवा दी मैंने। जो तुम भी गैल में चलते हो तो मैं चल सकूं, पैसे जाओ भाड़ में, और ना मैं ना जाऊं बिल्कुल भी, मेरी माई तो बिल्कुल टाड़ है टाड़। अरे तू ज्यादा जिद तो करे ना कर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ समझ गया। तुम्हें भी देखा है कोई? हाँ। अरे तू बावड़ा क्यों हो रहा, तेरी उम्र है पढ़न लिखन की, अरे पढ़ लिख लेगा कहीं सरकारी नौकरी लग जाएगी, मिजान हो जाएगा कहीं। बिल्कुल ठीक रहोगे तो जाऊंगा, अरना गांठ मार लो मैं घर से बाहर एक कदम बिल्कुल नहीं। अरे ठीक है मेरे बापू ठीक है। उस पानी ने मेरे से 3 बार पूछ ले, तेरे बापू नहाओगा कि मैं हो जाऊं ठंडा। अरे इसकी भान का ही, वो तो उमेश ने बिठा लिया, मैं तो भूल ही गया। हाँ धरा पानी, तुम नहा लो मैं लत्ते दे दूंगा। अरे भाभी जितेंद्र कहाँ मर रहा है? मुझे क्या बता के जावे है, उसे काम ही के है, फिर रहेगा कहीं धक्का खाते। अब ना है जरूरत किसी को भी धक्के खाने की। क्यों? अब हमारे हिस्से के धक्के भी तू ही खाएगा। अरे ऐसी बात है, अगर मैंने बता दी ना
दोनों बावले हो जाओगे। ऐसी खबर की टाल मार, हमें ना होना बावला। किस चीज की आग ठाऊ घूम रहे हो तुम? महेंद्र मोहन को पढ़ने के लिए बाहर भेज रहा। तो इसमें हमारा क्या फायदा है? इसमें हमारा क्या फायदा? अरे नुकसान क्या है, इसमें तो फायदा ही फायदा है। महेंद्र मोहन को पढ़ने के लिए बाहर भेज देगा, अब उसकी तीमारदारी सेवा करने के बहाने हम महेंद्र के घर में घुस जाते हैं। वो हमें घर में घुसने देगा? अपनी गलती की माफी मांग लेते हैं, दो चार आंसू बहाएंगे। वैसे भी बुड्ढा नरम दिल का है, मान जाएगा। ठीक कह रही है, कल चलते हैं मासूम सा चेहरा बना के। एक बार हम उस घर में घुस तो जाएं, फिर सारा माल हमारा। धीरे धीरे सब पचा जाएंगे। हाँ। मुझे तो डकार भी आएगी। तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए हलवा गोट की लाती हूँ। हलवा हलवा भैया, हलवा आजा आजा आजा। तुम लोग, अरे आज क्यों आए हो मेरी चौखट पर? भूल गए इस घर से रिश्ते तोड़कर तुम लोग गए थे? भैया जिस दिन से यहाँ से गए हैं उस दिन से ही हम दुख भोग रहे हैं, और एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन आपकी याद ना आई हो। आपको याद करके इतना रोए हैं। हमें माफ कर दो भैया, हमें माफ कर दो। अरे 18 साल हो गए उन बातों को, जब तुम इस घर को छोड़ कर गए थे। इस घर में तुमने बंटवारे का बीज बोया था। आज ऐसा कौन सा दुख आया है जो तुम इस घर की चौखट पर फिर नजर आ रहे हो? हम मानते हैं कि हमने गुनाह किया, आप भी मारते, आपसे मिलने को बहुत मन किया हमारा, मगर हम डरते थे कहीं आपकी हमें देखकर हालत खराब ना हो जाए। हाँ एक बात का हमें सुकून था, मेरा भतीजा मोहन आपके पास था, इसलिए कभी हिम्मत नहीं आपसे मिलने। अरे नालायको, 4 बरस का था मोहन जब उसकी माँ माला उसे छोड़कर, तब थी तुम्हारी जरूरत इस घर को, तब थी जरूरत तुम्हारी मोहन को, तब इस घर को छोड़ कर चले गए थे, तब सर नहीं आई, और अब 18 साल बाद लौट कर आ रहे हो। भैया मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मोहन को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। माफ कर दो भैया, हमें माला हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, माफ कर दो। तुमने तब नहीं सोचा जब तुम लोगों की जरूरत इस घर को थी, वो मासूम बच्चा इन माँ के उसके बाप ने कैसे पाला था, तब तो तुम लोगों को बंटवारा नजर आता था, जमीन नजर आती थी, आज रिश्ते क्यों याद आ रहे हैं? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। माफ कर दो भैया, हमें भैया हमें माफ कर दो, हमें मारो भैया, हमें सजा दे दो, लेकिन हमें माफ कर दो भैया, हमें माफ कर दो, हमें सजा दे दो भाई साहब, माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई साहब, माफ कर दो। तुमने वो माफ करने का वक्त खो दिया, वो तुमने माफ करने का वक्त खो दिया। मैं पसीजने वाला नहीं हूँ, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। भैया मर जाएंगे आपके बिना भैया, मैं माफ कर दो, बस एक मौका दे दो भैया हमें, बस एक मौका। अरे जब मेरी माला मरी थी तुम लोग उस वक्त नहीं सोचा? माफ कर दो, माफ कर दो भाई साहब, माफ कर दो।
मैं माफी मांगनी थी तो उस माला से मांगते। अरे आज तो मेरा मोहन जवान हो गया है, मेरा सहारा बन गया है। आज काहे के लिए तुम लोग मेरे पास आए हो? मोहन, हमें माफ कर दे बेटा, माफ कर दे बेटे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दे। चाचा जी, चाची, पिताजी, माफ कर दो इन्हें। तू अपने इन चाचाओं को नहीं जानता, बहुत जहरीले नाग है बेटा ये, बहुत जहरीले नाग है ये, बहुत जहरीले नाग है। पिताजी, आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए मैं कहीं बाहर पढ़ने भी नहीं जा सकता। अगर चाचा जी यहाँ रहेंगे तो मुझे लगेगा आपकी सेवा करने के लिए यहाँ घर पर भी कोई है। इन्हें माफ कर दो पिताजी। मेरे बच्चे तो कितना महान है, इस घर से 18 साल पहले माला चली गई थी, अब तुम लोग आए हो ना तो मोहन की वजह से आए हो। इस मोहन को तुम छोड़ गए थे, छोटे से बच्चे को वो मोहन तुम्हें इस घर में ला रहा है। जाओ अपना सामान ले आओ। भैया, अब देखना भैया, हम आ गए हैं, मोहन बाहर पढ़ने जाएगा, हम मेहनत करेंगे, आपकी सेवा करेंगे भैया, कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। जाओ तुम अपना सामान ले आओ, जाओ। पिताजी, आप इतने परेशान मत हो, आपकी तो तबीयत पहले ही ठीक नहीं। माँ तो है नहीं, अगर आपको कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगा? बेटा, जब तुझे इनकी जरूरत थी ना, ये मगर तुझे छोड़कर चले गए थे। मैं तड़पता रहा, तरसता रहा, मेरे मोहन के लिए कुछ तो, मैंने तो तेरे लिए दूसरा ब्याह भी ना करा था, पर इन कमबख्तों को शर्म भी ना आई, और आज तू ही इन्हें इस घर में लाने की जिद कर रहा है। पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। ठीक है मोहन, बस तू अब मन लगा कर पढ़ना। मैं मन लगाकर पढ़ूंगा पिताजी, मैं मन लगाकर पढ़ूंगा। ठीक है बेटा। आजा मोहन, आजा, आजा। कर दिया? हाँ पिताजी। चल बहुत बढ़िया। हाँ जी। आप घर चल, हैं? चल। चले। बेटे सिट्टी, लड़की और अकेली बैठी है, बात करूं, नंबर तो लूं। क्या चाहिए? नंबर। जा, चला जा, अन्ने अभी झुंझुना सा बजा दूंगी तेरा। जान की ना दिखे तू मुझे अभी। हाँ, तू बड़ा जॉन इब्राहिम है जो तुझे जानू। जॉन इब्राहिम के बेके मेरे आगे सिट्टी कह, मुझे सिट्टी, सिट्टी पहलवान। डार्लिंग, मैं अपने गांव में बुग्गी झोटा उल्टा खेच दूं। बस बस, लगे तो दमे का सा मरीज है, कौन कहे तुझे पहलवान। वैसे ही गांव में कोई बच्चा बच्चा पीट दिया होगा तने। अरे इस बात को छोड़ मेरी जान, सेटिंग वेटिंग करेगी के? मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। अब तेरी बहन के सबके ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, अरे कोई खाली भी है के? माँ का जूता, उसका तो मैं बात जैसा पाड़ दूंगा। और बता तुझे कोई और दिक्कत है तो? दिक्कत तो कुछ ना है, पर मुझे तेरा कुछ भरोसा सा ना लग रहा। कैसी बात कर रहा है, मैं धोखेबाज दिख रहा हूँ क्या तुझे? धोखेबाज ना? फिर हंगा सा ना दिख रहा तेरे में? हट पागल, मन्ने कईयो के छप्पर से पाड़ रखे। और एक बात सुन, तू मुझे घनी अच्छी लगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ।
जा नंबर तो दे जा। अभी नहीं बाद में। अरे एक बार यूं तो कर जा। बाद में। But yes। लल्ला अब दिल्ली जाएगा? ऐ पढ़ाई पे ध्यान दिए, खूब पढ़िए अच्छी तरह से मन लगा के। ठीक है पिताजी। पिताजी खेत तो मैंने बो दिया था यूं। दस एक दिन बाद इसमें पानी दुआ दियो। और बांगर वाले खेत में ना मक्का बो रखी थी, वह भी लगभग तैयार होगी होगी, उसे कटवा दियो। बिल्कुल ठीक कह रहा है, यह खेती तो तैने ना सिखाई हमें, हैं? दादा हो रहा तू तुम्हारा बिल्कुल ही। अरे वाह भाई वाह, अरे जाके अपना पढ़वा, इसे मैं दिखवा लूंगा, पहले भी मैं नहीं देखी या, समझ गया? बता रहा। तम पैना होने की है, कदी यहाँ और बीमारी में आके यहाँ काम करो और बीमार होकर लौटो। अरे मैं नहीं करने का, बेफिक्र रह मेरी तरफ से। वे किशोर और जितेंद्र अपने आप देखेंगे, समझ गया? मैं तो कदी कदाक फेरा मारने आ जाऊं यहाँ से। वैसे मोसा ने कही होगी थारते दिल्ली भेजने की? हाँ मोसा ने कही थी, वो सिटी जा रहा वहाँ पढ़न, यूं ही बात हुई थी, वो भी चला जाएगा तू भी चला जाएगा, दोनों का मन लग जाएगा और बढ़िया पढ़ोगे, और चला जा अपना आराम से, देखे नौकरी भी मिलेगी फिर। हाँ मुझे पता कितना पढ़े कितना जी करे उसका। क्या कह रहा? मैं तो नू कह रहा हूँ बस, मुझे तो खेतों में दया सी आ रही है जी। हाँ मतलब बेइज्जती खूब जम के कर ले तू आज मेरी, मेरे पे तो खेती करनी आती ही नहीं। कर भाई कर, तू भी कर, बेइज्जती कर ले तू भी। अरे यूं है ना, ऐसा धुआं पिछवाड़ा पे तेरे, तुझे पता भी फिर मैं कैसा हूँ। बड़ा आया किसान हूँ मैं, किसान देख किसान बन रहा, हम तो कुछ है ही नहीं। अरे बीमारी तो हो लिए, जानने तो सब है। पिताजी जानो तो हो, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, खेत मैंने बुआ दिया, तुम परेशान मत हो, तुम परेशान ज्यादा रहो। बेटा तू जा और पढ़, इसकी चिंता छोड़ दे, हम आपको देख लेंगे, ठीक है? ठीक है। ओ तेरी बहन के तो नाश हो गया दिक्के, ए मोसा तुझे कौन सा जल्दी पड़ गई, बहन का ब्याह तो देख जाता। अरे क्यों रुक कतारते हुए आ रहा तू, और कहां बारिश में भीजता फिरे? अरे ऐसा क्या देख लिया तूने? अरे मोसा कम कम से सो तो ढंग में लिया करो, मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया। हाँ ऐसा के देख लिया तेने? अरे मुझे लगा मोसा तेरा सोप के उड़ गया और यू पाऊ में बैठ कर रो रहा। अरे नू क्या तेरे बापू से पहले जान वाला मैं? तू तो कति बावड़ा ही दिखे, अगर ऐसा होता तो सारा गांव इकट्ठा ना हो जाता, मैं तो पां दबाता दबाता सो गया। अरे और बता सब ठीक तो है? मारा साडू भी ठीक है, अब तो आता जाता भी ना वो। तुझे तो पता मोसा हमारे खानदान का, हम लड़ाई झगड़े से तो परहेज करते नहीं, ऊपर से दरोगा पीट दिया बापू ने, बस उसी के चक्कर में लग रहे हैं हम। अजी हाँ दरोगा पीट दिया, लोग तो न्यू बता रहे थे कि गन्ना पाड़ रहा था कहीं से लुगाइयों ने पिट्टा कही हो। मोसा झूठ तो मैं बोलता नहीं, क्योंकि रिश्तेदारी की बात है, हुआ तो ऐसे है जैसे तुम कह रहे हो, पर एक बात बताओ तुम्हें किसी ने बताई ये बात अखबार में आई थी के? अरे चल छोड़ तू न बता कैसा आना हुआ। अरे आना के यहाँ तो मैं फैसले में आया था, वो बड़ौत में गोली चल गई थी, उनका फैसला करवाया, फिर नहीं सोची मोसा से ही मिलता चलूं। अच्छा यू तो खैर बढ़िया करा, और बता सब ठीक है? चलो तुम दोनों बैठो और बतियाओ, ठीक है? नहीं बारिश भी थमगी, मैं जरा हांडिया हूँ गाँव में, घूम ठीक है? नहीं और बता। और सब ठीक है मोहन भाई, मजा तो बस दिल्ली में आवे। भाई सिट्टी भाई तू सारा भेजगा, मैं तेरे लिए चाय बना लाऊं। चाय छी, मैं दूध पीता हूँ बादाम घोट के और उबिल लोट के। अच्छा सिट्टी नू बता। हाँ? दिल्ली में मजा कैसा आऊगा? मजा वहाँ सोनी सोनी लौंडिया, जिंदगी का मजा वही है बेटे, चल एक बार तू। तो तू वहाँ छोरी देखने जा रहा के? जा तो हम पढ़ नहीं, पर कदी कदी मन भी तो हरा भरा होना चाहिए। चल चल। अ
अरे किशोर। हाँ भैया। यहाँ भाई। हाँ जी भैया। मोहन को छोड़ने जा रहे हैं भाई? हाँ जी। अच्छा एक काम करिए, ले मोहन को कुछ पैसे दे दिए। ठीक है भैया। अरे एक काम करिए, बस में देखभाल के बिठवाइए, ठीक है? नहीं लंबा सफर है। ठीक है ठीक है, बाकी आप चिंता मत करो भैया, मैं सबको संभाल लूं। हाँ हाँ, आ गया भाई मोहन, हो गया तैयार? हाँ जी। अब बहुत दूर जा रहा, मन लगा के पढ़िए और अपना ख्याल भी रखिए, समझ गया? ठीक है पिताजी, तुम भी अपना ध्यान रखियो, और हाँ हुक्का ना पियो बिल्कुल भी। वो तो तेने पहले ही टांड पे रखवा रखा, हुक्का छोड़ा कहाँ था। ठीक है भाई। ठीक है पिताजी। बेटा पहली बार जा रहा इतनी दूर, बहुत ख्याल रखिए और सुन रोज फोन करता रहिए। ठीक है पिताजी। ठीक है चल। छोड़िया भाई से। ठीक है बेटा, मन लगा के शहर में जाके पढ़ाई करिए, अपना और अपने खानदान का नाम रोशन करिए, और हाँ छोरियों तो दूर रहिए बेटा। अरे चाची ऐसी किस छोरी में हिम्मत है जो मेरी गल हरकत कर सके। चल रे चल, ट्रैक्टर खड़ा है, चल। ठीक है पिताजी, तुम अपना ख्याल रखियो। हाँ बेटा। चल बेचल जल्दी चल, वरना वार हो जाएगी। ठीक है पिताजी। लायू बैग मुझे दे दे और तू ट्रैक्टर चला। अरे ना चल रहने दो, मैं ले लूँगा। अरे बैग हाथ में लेके थोड़ी चलाएगा तू ट्रैक्टर। ट्रैक्टर तो मैं चला लूँगा, पर तुम पिताजी का और घर का ध्यान रखियो। ठीक है तू चिंता मत कर, ध्यान से पढ़िए। चाचा मुझे तो पिताजी की चिंता हो रही है। तू चिंता मत कर, हम है देखने को। अरे मोहन रोकिए, कहाँ जा रहा है? अच्छा राम राम। राम राम, राम। कहाँ जा रहा है? अरे चाचा मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, ये जबरदस्ती मुझे वहाँ पढ़ने भेज रहे हैं। अड्डे तक तो जा रहा है, मुझे भी ले चलिए यार। चला जा बैठ जा। और सब ठीक है? हाँ बढ़िया, पढ़ाई करने जा रहा है ना? हाँ चाचा। चलो कोई तुम्हारे काम में तो बाहर जा रहा पढ़ने के लिए। पिताजी ठीक है? हाँ जी पिताजी तो ठीक। अच्छा तो पढ़ने जा रहा दिल्ली? अब चाचा के बताऊं, पिताजी जबरदस्ती कर रहे हैं, मानने रहे, मेरा तो मन ना जाने का। अरे नहीं यार ठीक है, तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, तू कम से कम पढ़ने तो जा रहा है। हम तो किसी ने पढ़ाया ना, हम तो अनपढ़ी रह गए, कम से कम हमारे गांव में एक पढ़ लिख के तो आग गली कट जाएगा। नहीं चाचा मैं पिताजी का विश्वास बिल्कुल नहीं तोड़ने का, मैं वहाँ जाके मन लगा के पढ़ूंगा और उन्हें कामयाब होकर दिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल बेटा, मेहनत करके पढ़िए। ठीक है चाचा। आगे चिंता मत मानी, मैं भी चक्कर लगाता रहूंगा घर। तू तो बड़े चक्कर लगा रहा, तू तो चुप रहने सैडी। अब आई तुम को, तू तो चुप रहने सैडी, पागल हो रहा। तुझे तो सारा काम जाने है। बाल को कह तुझे शर्म जा रही, बिल्कुल बोले बोले जा रहा है। उसके बालक ना दिखे जब के था। तू घबराई मत ना बेटा, ध्यान लगा के पढ़िए। चाचा तुम चुप रहो। चाचा स्टैंड आ गया। उतर रेस्टोरेंट भी आ गया, इसमें उतरता क्यों ना है? हाँ मैं तो उतरूंगा, तुझे सीधे ठेके पे। बेटा ध्यान से जिए, किसी बात की चिंता मत मानिए। चाचा लेवे मोहन आलित रेस्टोरेंट। हाँ चाचा। गर्मी बहुत हो रही है चाचा। पिताजी का ध्यान सा रखते हैं, उनके फोन में डॉक्टर का नंबर है, कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर को फोन कर लियो। ठीक है तू चिंता ना कर, रुक जा, भैया ने कुछ पैसे दिए थे, ये 4,000 है, बाकी और अकाउंट में भिजवा देंगे। ठीक है वो तो ठीक है, पिताजी का इलाज खतौली वाला डॉक्टर ना, वो बंगाली, उसके ही इलाज चल रहा था, और वहीं तो आराम लगा, तो वहीं दिखा दे कोई दिक्कत हो तो। देख हम कोई पराया थोड़ी है, हम पूरा ध्यान रखेंगे, तू बेफिक्र रहे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिए पूरा। बंगर वाली जो फसल है हमारी वह बिल्कुल पकली है, पहले कटाई उसमें लगवाइयो, कभी सड़क वाली में लगवा दो। तो यार हमें कुछ मायने ना रहा, हम पे आवे खेती करनी, बेफिक्र रहे तू। अरे हाँ हाँ चाचा मैं तो बस बताई तो रहा था। देख भैया तू आराम से बैठ गई बस में, ले भाई। ठीक है चाचा, तो तुम पिताजी का ध्यान रखो। तू चिंता ना कर, बेफिक्र होकर जा, पढ़ाई दिल से करिए। ठीक है चाचा, ध्यान रखिए चाचा। ठीक है बेटा। एक का तो पत्ता कट गया, अब उस बुढ़े का और राह बिठाना है। चल भैया ठेक का भी इंतजार कर रहा होएगा। हाँ
किशोर। हाँ भैया। छोड़िया है मोहन को? हाँ, उसे तो सीट भी मिल गई। सीट भी मिल गई? हाँ जी। यो बहुत बढ़िया हुआ, बहुत लंबा जाना था उसे। कतई पूरी बस खाली थी जी। अरे वाह, बैठ के जागा, आराम से जागा। हाँ जी। तो बहुत बढ़िया हुआ। हाँ जी भैया, मैं शहर जा रहा हूँ, सुपर नेपियर ग्रास सहायक बाजरा एक बार वो दो, कई साल तक चला है ना, जुताई ना खुदाई, बस उसे काटते रहो। उसे लिया हूं, सोच रहा हूँ भाई। एक काम कर लिया, अरे बांगर वाले खेत में वही है, ज्यादा लेके ना ये ठीक हुआ तो उसे आगे और भी जगह बोलेंगे, समझ गया? जा ले आ। मेरे दोस्त ने लगा रखा, उसने बताया, बस ले आऊं। ठीक, बहुत बढ़िया, लग गए काम पे तो दोनों के दोनों। ठीक कर रहे काम को तो खैर, मोहन बेचारा वहां चला गया। मैं सोचू था इस सारे काम धाम को कौन संभाल लेगा, ठीक संभाल रहे दोनों के दोनों। चलो, और सबसे बड़ी बात है, कम से कम देर आए दुरुस्त आए, इन्हें अकल तो आई, अब आगे ये सारे मामले को संभाल लेंगे। जल और कुल को मिलते हुए ज्यादा समय न लगता, वैसे सही कह गए बड़े बुड्ढे। सिट्टी, ओ सिट्टी, अरे खोली कुआड, अरे दोपहरी होली सोरा दिखे अब तक, सिट्टी भाई खोल दे। अबे कौन है बे? मैं हूँ मोहन। अगर कोई बिना मतलब का मजे लेने वाला हुआ ना तो हड्डी तोड़ दूंगा, सूरमा बना दूंगा। अरे कहाँ रह गया? आ लिया बे, आ लिया, रुक जा भाई। अरे तन्ने क्या कर रखा है? अरे सारा सामान बिखेर रखा, ये कपड़े देखिए, ये सारे बैग खोले गिर रखे, देख सारा कबाड़ गिर रखा। अरे पन्नी तो कम से कम डस्टबिन में गिर दे करो, ठाके कुत्ता ही पूंछ मार के बैठे। तू अंदर आ, आप पानी ले यार, भीतर आ। सारे में गंद फरा रखी है यार। आ जा भाई बैठ। यू के कर रखा तन्ने, सारे में तो बीड़ी के टोटे गिर रखे तन्ने। जा एक काम कर, झाड़ू ला इन्हें सकेर, और बीड़ी बाहर पिए कर जाकर, समझ गए ना? एक बात बता भाई, तू भाई है या मेरी लुगाई है? तू बीड़ी पी के देखे, पता लग जाएगी भाई हुआ लुगाई। बीड़ी तो पीनी पड़ेगी भाई, पर मैं मजाक कर रहा था यार। इन्हें साफ कर दे, ये गिलास ये देख क्या है, ये देख ले। यार सिट्टी, साफ सफाई रखनी चाहिए, देखिए। साफ के लिए ही तो मेहनत कर रहा हूँ मैं, सोच रहा हूँ कोई सेटिंग बैठ जा, देखेंगे कुछ करेंगे। बैठ ली तेरी सेटिंग, होने वाला बस काम, इसी चक्कर में तो मैं दिल्ली पड़ा हूँ। हाँ हाँ भाई रुक जा। हाँ हाँ भाई, एक बात सुन, कल चलेंगे हम कॉलेज, वहाँ देखेंगे हम नई नई लौंडिया, आहा कोई जींस में, आहा कोई स्कर्ट में, कोई सिलवार में, और तो मेला मावे ना, कोई कोई तो ऐसी साड़ी मावे, मजा आ जा, पूरा जन्नत कट जाएगी जन्नत। तू एक बात बता, तू कॉलेज में वहाँ छोरी देखने जावे, पढ़ने जावे, तू एक काम कर ले। कौन सा? तू लगा ले गोलगप्पे की रेहड़ी। अच्छा, और बहुत सारी छोरी तेरे चौकर तू घूमती रहेंगी, जींस वाली भी रहेंगी, स्कर्ट वाली भी, और धोती वाली भी, और बाद में तुझे भी काम करना, इस काम को पहले कर लेना तू। ओ नाना भाई, मुझे पढ़ना है, पास भी होना है, सारे काम करने और लौंडिया पटानी है। मेरा बापू बहुत बड़ा जार समझा है ना अपने आप को, मुझे उससे पीछे नहीं रहना है, मुझे उससे आगे निकलना है। सारा सारा खानदान ही एक साथ। सारी उम्र सोते रहियो तुम। अरे क्या हो गया, रात भर तो तेरी टह टह ना सोन देती, और सुबह थोड़ी सी आग लगी थी, आके जगा दिया। तुम इतनी मेहनत करते हो खेतों में, और मेरा भाई कार बेच रहा है, मैं चाहती हूँ वो कार हम ले। अरे कहाँ से ले लेंगे गाड़ी, मुझ पे कोई पैसे रखे हैं क्या? तो यहाँ क्यों लेके आए, इस बुड्ढे की सेवा करने के लिए, इस घर में हमारा भी हक है, बोलो जाके उसको। अरे भगवान धीरे से बोल, इस घर में नए नए आए हैं, थोड़ा सेटल हो जाए, एकदम से पैसे कैसे मांग लूं, जब समय आएगा सब कुछ हो जाएगा। तू तो समझदार औरत है, तू तो समझ जा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस वो कार चाहिए, नहीं तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। अरे थम जा, सोचन दे कुछ, अजानदे किशोर को बात करूंगा उससे। अरे मेरे बारे में बात हो रही है के? हाँ भाई किशोर, तेरे बारे में बात हो रही है। फिर बता भी दे के बात हो रही है। बात क्या है, मेरा साला गाड़ी बेच रहा, अभी वो कह रही है कि उस गाड़ी को ले लें।
अरे तो बहुत बढ़िया बात है यार, बता भाभी कब लानी है गाड़ी। देखो मेरा देवर बेचारा कितना अच्छा है और एक तुम निठल्ले बुद्धू कहीं के। अरे पैसों का जुगाड़ तो कहीं भी ना है। अरे ये है ना महेंद्र, इसे तकादा करेंगे, क्यों टेंशन ले रहा। चल फिर तो ठीक है, अब तो चाय बना ला। चलो मैं चाय बना के लाती हूँ। अब गाड़ी में घूमेंगे, गाड़ी में घूमेंगे। मैं भी चला ले ना। हाँ मैं चला रखी है। कदी गियर फास्ट है। सिटी, ओ सिटी, अरे उठ जा ओ बैठ के मरीज। के यार छुट्टी के दिन तो सोन दिया कर। तू यहाँ छुट्टी मनाना आया दिखे। करने तो बहुत कुछ आया हूँ पर तू कुछ कर नहीं दे। तू एक काम कर, तावली सी उठ ले और बाथरूम में चला जा, और ना मैं नहान घुसूं। अरे मैं तो चला जाऊंगा पर तू न्यू बता, सुबह सुबह कहाँ था आया? रेलवे फाटक पर गया था कि हल्का हो ना? अरे हल्का तो सुबह में यहीं हो लिया था, मैं तो घूमने चला गया था, पर यार मुझे तो कोई पार्क ही ना मिला, मैं तो ऐसी रोड पर घूम कर आ गया। अरे बात सुन, कल मैं लेके चलूंगा यूरा घर के पीछे पार्क। मैं गया था कल, तू तो मिला नहीं, और एक लौंडिया की चुन्नी गिर गई। उधर चुन्नी उटंगरी वो तो मिली नहीं, इसे ठा लाया मैं पकड़ी। और ले केक रहा इसका देख, खुशबू आ रही है उसकी और मुझे याद भी घनी आ रही है। अब तू एक बात बता, बाथरूम में तू जा रहा या मैं जाऊं? ओ भाई मन्ना कौन सा डाइपर लगा रखा, मेरा हो रहा पल्सर तेज, तू रुक मैं आ रहा हूँ। अरे इसे तो ले जा, इसे भी सूंघ ले वहीं बैठ के। पता नहीं यार कैसा आदमी है, इनका परेशर लग रहा, उठा दिया तो इन्हें पता लग गया कि इनका परेशर लग रहा। क्या करें सिटी तेरा, कोरोना ने भी देश दुनिया का नाश कर दिया, लोग मरन लग रहे, हरदम घुट घुट के मरन लग रहे। भैया राम राम। राम राम भाई राम राम, क्या बात, खेतों की तैयारी कर दी, खेतों में जान लग। भाई जाए तो खेतों में रहते, पर क्या चुप क्यों हो गया, बता बता। भैया मेरा वो सालाना सुनील, हाँ वो नई गाड़ी ले रहा, पुरानी गाड़ी बेच रहा, हम सोच रहे उस गाड़ी को अपन ही ले लें। भैया बहुत शानदार गाड़ी है और मैं चला भी रखी है। अरे भले शानदार हो, हमें गाड़ी का करना क्या। पर अरे भैया बहुत काम हो, मैं अबेर से बेर काम पड़ जावे, किस किस का मुंह देखते फिरेंगे। अपनी गाड़ी होगी कहीं भी चल चलेंगे, वैसे भी तुम बीमार रहो कभी भी जरूरत पड़ सके। अरे हमारे पे ट्रैक्टर नहीं खड़ा क्या, हमें जरूरत है क्या, खामा खाही खर्चे बढ़ाने की बात करो जाओ तुम तो। भैया देख लो गाड़ी की जरूरत तो पड़ती रहे। अरे एक बात सुनो, गन्ने के पेमेंट से तो कृषि कार्ड भरा, मोहन भी बाहर पड़ रहा, उसके भी खर्चे बढ़ रहे हैं, ये भी ब्योंद ना मेरा। भैया काम तो करे से ही होंगे, अब देखो ऐसी तो कोई अपने घर में भूखमरी है ना, जो अपन भूख के मर रहे हैं, कृषि कार्ड के पैसे उन्हें निकाल गए और हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, हम जमा कर देंगे, वैसे भी ज्यादा महंगी थोड़ी है, 1.5 लाख रुपए की तो है। अरे पता कृषि कार्ड इनके कैसे कैसे भरा गया था, मेरा तो मन मान नहीं रहा। भैया हमारा तो बहुत मन है, और देखिए हम तुम्हारे कितने सेवा कर रहे हैं, और भाभी बिचारी उस गाड़ी को हम ही ले हैं। अरे तब मुझे सोचने का मौका दो, समझ गए, सोचन दो तब मुझे। सोच लो भैया, मगर लेट हो गए ना, वो गाड़ी हाथ से निकल जाएगी। अरे निकल जाएगी तो क्या हो गया, दुनिया में और गाड़ी ना है क्या, तुम तो ऐसी बात कर रहे, बस वही गाड़ी है, और अगर गाड़ी लेनी होगी तो दूसरी ले लेंगे, नवी ले लेंगे। भैया तुम तो हमारे सुनना रहे, मुझे लगा तुम अब भी हमसे नाराज हो। अरे तुम बच्चों की तरह तो कराए मत करो, मैं कोई नाराज ना था रे से, समझ गए। नाराजी हो जब तुम हमारी बात ना मान रहे और इस तरह की बात कर रहे हो। अच्छा अब यो बच्चों की तरह ड्रामा तो करो मत ना, कल को खेत में से आ जाइयो, बैंक लेके चलूंगा तुम्हें, ठीक है, बालकों की तरह नोटंकी करने लगे इब जा। सिट्टी, ओ सिट्टी, सिट्टी पता ना कहां फिर आई हूं, इसका कुछ नहीं पता, एक कप चाय पी लेता तो 2-4 घंटे बैठ कर पढ़ लेता। अरे तू कैसे टांगों में पूंछ लेया घूम रहा। अरे यार तू बाहर को चल, सामने वाली छत पे ऐसी लौंडिया खड़ी है, भाई साहब तबीयत खुश हो जाएगी, तू बाहर निकल किताब चाट रहा है, मतलब अभी देख ले जाके। मैं सोच रहा दोनों भाई यहाँ चाय बना कर पियेंगे, तू सारा छोरी देखता फिर यहाँ। अरे एक काम और करिए, अगर वह छोरी सेट ना हुई ना तो तू ऊपर से कूद जाइए। मैं भी ना जाता हूँ। अब सही है,
एक काम कर ले, ना जा रहा तो चाय धर ले। हाँ। अरे भाई माल बहुत जोर का भाई साहब, कसम रामदेव की। अरे वो रामदेव ना होता, वो कामदेव होवे। हाँ हाँ जो भी होवे, पर सैर जरूर करनी है। हाँ अपने गांव वाली बात मान रहा होगा, जैसे तू और तेरे बापू गस्ता छेड़ते फिरो। बेटे दिल्ली पुलिस है यहाँ, ऐसा फट्टा फेरेगी ठीक कर देगी तुझे। यार तू मेरा दोस्त है, तू मेरा हौसला बढ़ा रहा है या हौसला प्रस्त कर रहा? बहुत बढ़िया काम करने जा रहा तू। तेरा तिलक करूंगा, तेरा टिक्का करूंगा, तुझे दही खुआऊंगा, तुझे आशीर्वाद देऊंगा, तेरी पीठ थपथपाऊंगा और जना किक्के करूंगा मैं तेरी गैल। भाई एक बात मेरी समझ में आ गई, जो मैं तेरी गैल 3 साल रह गया तो तू मुझे बजरंग दल में भर्ती करवा देगा। अच्छा सुन, चाय पी के उस पार्क में चलेंगे जिस पार्क को तू बता रहा था। चल तो देंगे, पर यार उस पार्क में बुढ़े ज्यादा और लोडिया कम आवे। अरे कोई ना, चाय पी के चल रहे हैं। ठीक है भाई जैसे तेरी मर्जी। और सुन चुन्नी वाली मिल जाता यस, अब मामला सेट हो सके, मैं चाय लाया। हाँ है भाई, तू तो सही कह रहा था, मैं तो कोरे बुढ़े बुढ़े घूम रहे हैं, पर हमें की करना, थोड़ी बहुत देर घूमेंगे और चलेंगे फिर अपने घर। अरे और के इनके घरों जाएंगे हम। एक काम करिए, तू चला जी इनके घर। मैं के धार काट दूंगा। चल क्या हुआ बाबूजी? बाबा आप ठीक तो हो? लो पानी पियो, पानी पियो। रे बेटे। कोई नहीं बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा धन्यवाद करने की कोई जरूरत ना, बस आशीर्वाद दे दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बाबा थोड़ा सा आशीर्वाद मुझे भी दे दियो। जीता रहे बेटा, जीता। क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो हो ना? बेटा खांसी उड़ गई थी, इस प्यारे से बच्चे ने मुझे पानी पिला दिया, अब ठीक हूँ। बाबा आप ज्यादा मत घूमना, ठीक है? ठीक है बेटा ठीक है। तुम्हें दिखाई नहीं देता इतनी उम्र के आदमी को तुमने ऐसी घूमने के लिए छोड़ रखा है, और ना साथ में पानी की बोतल है, कैसी पोती हो तुम? बेटा ये सब की पोती है। मतलब? यहाँ पास में एक वृद्धाश्रम है और वहाँ मैं इन सब की सेवा करती हूँ और रोज शाम को पार्क में घुमाने लेके आती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, सैल्यूट है तुम्हारे काम को। आजकल के बालक कहाँ सुनते हैं अपने बड़ों की, और एक आप हो जो बुजुर्गों की सेवा करते हो, सच में दिल से थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। है जी, तुम अकेली इनकी सेवा करती है, कोई और लड़की भी है तुम्हारे साथ? जी आश्रम ही मेरा घर है और मैं अकेली ही इनकी सेवा करती हूँ। मतलब आप कहाँ रहते हो? अनाथ आश्रम में ही मैं पली बड़ी थी और उसके बाद में यहाँ आ गई। इनकी सेवा करना मुझे अच्छा लगता है और यही मेरा धर्म है। मुझे भी ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत गुस्सा आता है उन बच्चों के ऊपर जो अपने माँ बाप को ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। बेटी ये कितने अच्छे बच्चे, इन्होंने मुझे पानी पिला के मरने से बचा दिया। बाबा को पानी देने के लिए थैंक यू। चलेगा भी घर ही छोड़ के आओगे बुड्ढे को? अरे चलेगा भी, चल आ। मैं तेरे से पहले कर रहा, सारे बुड्ढे बुड्ढे मिलेंगे, मेरे हिसाब का तो कोई मिला ही नहीं। देखो मैं तो नू कहूँ, फिर भी गांव में चोलर है, गांव में फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। यहाँ तो ना तो कोई खेतों में जाने से रुक रहा, ना किसी के घर जाने से रुक रहा, सब कुछ ठीक ठाक है। पर इस कोरोना से ना, इससे इन पूरे शहरों में तो हाहाकार मच रहा, हाहाकार। आप ठीक कह रहे हैं ताऊ जी, इस कोरोना से तो बहुत बुरा हाल है अस्पतालों में। हाँ सुन तो रहे हम भी। अच्छा ताऊ जी मैं चलता हूँ, मुझे खेतों में पानी भी देना है। ठीक ठीक है, राम राम जी। अच्छा, तुम भी चल दिए? अच्छा चलो ठीक है ठीक है। अरे गाड़ी ले आए भाई।
भैया ले आए गाड़ी। अरे बहुत बढ़िया ले आए। हाँ बहुत शानदार है गाड़ी, बढ़िया लग रही है भाई, चाहे कुछ भी हो। 22 हिस्सा तो है ना पर इसमें पीछे। भैया थोड़ी सी ना इसकी सर्विस करवानी पड़ेगी, तो जब जाके ठीक हो जाएगी पूरी तरह से। चलो भाई सर्विस भी करवा लियो। सेवल तो कर दो। हाँ ठीक कह रहा है, सेवल करवाओ भाई। पानी ले आओ। अरे लिया है गाड़ी। हाँ देखो आज तो गाड़ी में घूमने चलेंगे। हाँ क्यों नहीं, खूब चलेंगे। आज तो हम खाना भी बाहर खाएंगे। जरूर भाभी जरूर, जैसी थारी मर्जी भाई। चलो पैसे लेते जाइयो। ठीक है भैया। आप ना चलने के? बस तमी घूमता हो, थारी काम है ये। ठीक है नहीं पर गाड़ी बढ़िया। इसकी सेवल तो कर दो। हाँ सेवल करो। तिरपाल डाल दे उसमें रह जावे। ठीक है भैया जल्दी सेवल कर रही हूँ। अच्छा खाना खान जाओगे बाहर? हाँ भैया। लो 1000 रुपये भैया। सर्विस भी देते भैया। अरे आज खाना खाया हो, सर्विस कल करा लियो। अरे एक काम करियो जल्दी आ जाइयो। ठीक है ठीक है, नहीं जल्दी आ जाइयो। ठीक है भैया। भैया बिल्कुल टाइम से आ जाए, घूम के आओ। जाओ मैं कह रहा था तुम भी चलते। जाओ जाओ। गाड़ी तो ठीक ही ले आई है। चलो चाह भी थी गाड़ी, गाड़ी तो चाहिए ही थी एक घर में। हारी बीमारी सोची जो जा। चलो ठीक है, कहीं बेकार चीजों में तो पैसा ना लगाया इन्होंने। अबे सिट्टी मार्केट में आ ही रहे हैं। हाँ तो क्यों ना इतना सब्जी लेके चलते हैं। हाँ सब्जी तो ले ही लेंगे पर पहले आइसक्रीम तो खा ले। अरे आइसक्रीम खाने का मौसम ना, वैसे ही कोरोना चल रहा, पता ना कि बीमारी चल रही है। बाहर का कम से कम खाने की कोशिश करनी चाहिए। अरे कुछ ना होता है, कब तो खाई ले। चल चल देख यू आ गया आइसक्रीम वाला भी। चल खा ले तो। ओए रुक जा रे, रुक जा। ला भाई आइसक्रीम खवा दे। कितने वाली दे भैया? कौन सी खानी है? बढ़िया वाली दे। कितने वाली दे? 5 वाली, 10 वाली, 15 वाली, 20 वाली, 50 वाली? 50 वाली दे। 50 वाली दे। जानता ना दिखे ऐसी टिकू। जल्दी कर ना, धर दूं इतने में मैं। पैसे दे दो भाई। ले भाई। ठीक है भाई। हाँ हेलो। अरे आप लोग यहाँ? कुछ नहीं बस सब्जी लेने आए थे। पर आप तो आइसक्रीम खा रहे हो। अभी सब्जी ली नहीं है, आप बताइए आप कैसे छोड़ कर आए इतने सारे लोगों को? एक बाबा जी की दवाई खत्म हो गई थी, वो ही लेने जा रही हूँ। अच्छा आप आइसक्रीम खाओगी? नहीं मैं ये सब नहीं खाती। अरे खा लीजिए ना, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं मैं ये सब नहीं खाती। आपने पढ़ाई नहीं की? की है ना 12वीं तक। आगे की पढ़ाई नहीं करनी? नहीं जरूरत नहीं है। फिर भी आप आगे की पढ़ाई तो कर सकते हो। नहीं अब जिंदगी का जो लक्ष्य है उसी पर चल पड़ी हूँ, अब पढ़ाई का क्या करना है। अच्छा ठीक है बाय। बताओ कतई बालक हो रहे हैं, लापरवाही की भी हद हो। नू भी ना सोचा, बीमार मानस है दवाई भी लेगा। दवाई को तो छोड़ दो। अरे खाना भी ना खाया, खाना खाऊंगा तभी तो दवाई लूंगा, पर कुछ नहीं सोचा। बता 8 से ऊपर हो लिए, सारे गांव में सुहाड़ पड़ रहा, पर शर्म नहीं आ रही। गाड़ी ली, दावत लेंगे, खाना बाहर खाएंगे। लेटे हैं भाई, मैं तो बैठे बैठे भी थक लिए। बता भाई कितनी देर होली, इबलो भी ना आए। आधा घंटा और बाट देख लू, नहीं तो फिर दोपहर का तो कुछ धरा ही होगा, उसे ही खा लूंगा और क्या होगा। बता 9 बज लिए, Thank you.
हद कर दे भाई हद, इबलो भी नहीं आए, कुछ खाई लूं, पता नहीं भाई कितना टाइम लगावेंगे, आज तो नई गाड़ी है, रसोई में ही देखूं, कुछ ना कुछ तो धरा ही होगा। अरे चलो लाइट तो आ गई, ये नहीं आए। चलो आज बासी रोटी से ही खा ले भाई, दवाई भी तो लेनी है। भी नहीं आए, पिताजी खाना खाओ, खाना तो नहीं खाता मैं। तुम रोटी खा लो, मैं थाली में दवाई ले आऊं। आज खाना बहुत बढ़िया बनाया तन्ने, मजे मजे में तो रोटी फालतू खा गया। और तुझे काम ही क्या है रोटी तोड़ने के अलावा? हड्डी भी तोड़ दूं मैं चटाक करके। चल बीड़ी लगा एक। क्यों बीड़ी पीऊं मैं? तेरे मुंह में हुक्के की नाल दे दूं, चुपचाप लौट जा आराम से। हम तो नहीं लौट जाएंगे। या सिट्टी, पिताजी से बात करे भी कई दिन हो गए। हाँ कर ले, पिताजी से बात कर लो। कर ले, चुप रहिए थोड़ी देर। हाँ अरे किसका फोन आ गया भाई? हेलो 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 पिताजी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसा है मोहन बेटा? तुम ठीक हो पिताजी? भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता खाना पीना खा लिया? हाँ पिताजी अभी खाया। अब लो तो चाची ने तुम्हें बना के खवा दिया गरम गरम। अरे बेटा आज तो ऐसे ही खाया, बस पूछे ना, वे तो बाहर गए हुए और बाहर ही नु बता रहे थे खाना खा के आवेंगे। क्यों? अरे वह गाड़ी ली, तुझे बताया तो होगा, नई गाड़ी लेने पे उन्हें कह रहे थे बाहर ही जा रहे, घूम के भी आवेंगे और खाना भी वहीं खा के आवेंगे। ना मेरे से तो ना बताई, पर तुमने गाड़ी में पैसे खराब क्यों कर दिए? तुम एक बार मेरे से पूछ तो लेते। अरे वो कह रहा था
किशोर कैनल का गाड़ी ले लो तो बस केसीसी से कुछ पैसा उठा लिया और गाड़ी ले ली। पिताजी तुम भी बिना पूछे कुछ भी काम कर लो, एक बार पूछ तो ले करो। भाई मैंने तो सोचा किशोर ने तुझे बता दिया होगा। चलो तुमने खाना तो खा लिया ना? हाँ भाई खाना तो खा लिया, बस अब दवाई लूँगा। हाँ ठीक है, पर दवाई तुम टाइम पे ले ले करो। हाँ भाई अब बस दवाई लेने के लिए आया था, दवाई लूँगा अब जा। ठीक है पिताजी, नमस्ते। नमस्ते जी, तारे बेटा अपना ध्यान रखियो। हाँ बेटा मैं तो रखूँ, पर तू भी अपना ध्यान रखिए। ठीक है पिताजी। अच्छा बेटा सब ठीक ठाक है? हाँ ठीक तो है, पर क्या बताऊँ पिताजी दवाई के प्रति लापरवाह है। मैं डॉक्टर ने बता रखी दवाई टाइम पे ले करो। हाँ। पता ना कभी लेट कर दें, कभी भूल जावे। चाचा चाची कहीं होटल में जा रहे कहीं आज रोटी खान, पता नहीं यार अपने आप ही बना खाई दिखे। चल सोचेंगे इस बारे में भी। हाँ ठीक है, मैंने पिताजी से पहले कही अगर दवाई टाइम पे ले ले करियो तुम। अच्छा अरे यार क्या करूं। भैया नमस्ते। मतलब पार्टी ज्यादा ही बढ़िया होगी दिखे। अरे वह जितेंद्र, जितेंद्र ना तेरा बड़ा घर आ गया। अरे आ गया। हाँ पार्टी ज्यादा ही बढ़िया करके आए, दिखो तुम तो। हाँ पार्टी बहुत बढ़िया रहे जितेंद्र। अरे जितेंद्र आ गए भाई घर। अरे आगे आज तो हद ही होली भाई, हद होगी हद, कतई हद करती निकम्मों ने तो आज। प्रधान जी राम राम। अरे राम राम भाई, सब ठीक ठाक जी? सब बढ़िया जी, आपकी दुआ से। पिताजी कैसे है तेरे? पिताजी तो खाट में ही पड़े जी अभी। अच्छा हाँ भाई, लड़की का ब्याह तय कर दिया था ने? हाँ जी अगले महीने है। अच्छा अगले महीने है जी। कहाँ करा रिश्ता? लुहारी करवा दिया था जी फुप्पा जी ने। अरे वाह बहुत बढ़िया, वही करा। अच्छा और कहाँ से आ रहा? बस जी योजना वाले फार्म आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया था वो, वहाँ से बैंक में पैसे आ गए, पैसे लेकर आ रहा हूँ। अच्छा वो उत्तर प्रदेश कन्या विवाह जी 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 योजना? हाँ जी। अच्छा उसमें से पैसे आ गए? हाँ जी आ गए भाई। बहुत बढ़िया हुआ, देख गाँव में ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे ना हैं। सरकार योजनाएं तो बहुत बनाओ है। हाँ जी। पर योजना नीचे तक नहीं आती जी। नीचे तक आ जा तो कोई और खा जा। तूने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया? हाँ जी हाँ जी हाँ। रजिस्ट्रेशन करा लिया था, अब दो पैसे भी आ गए, अब तेरे पास अपना ब्याह में भी सारा लग जाएगा। ठीक है नहीं? हाँ जी। बहुत बढ़िया हो गया, चल अब ढंग से कर लिया। हाँ जी बढ़िया करूँगा जी। अरे एक बात सुन जी, पैसे दे लेगी कुछ जरूरत पड़े ना ये किसी और बात जी, तो जी ये किए ना एकदम। ठीक है प्रधान जी मैं बोल दूंगा। ठीक है जी। ठीक, राम 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 भाई राम राम भाई। तू एक काम कर मोहन, तू पढ़ाई कर, मैं एडमिशन फॉर्म ले आऊं। अरे यहाँ कौन से मदरसे के फॉर्म बट रहे हैं? अरे मदरसे के ना, सेटिंग का। सेटिंग का? तू चला जा, मैं तो कहूँ भगवान करे और तू जब भी आवे ना जब भी पिटका। अरे भगवान इतनी आसानी से ना सुनता, अगर सुनता होता ना तो मेरे 5-10 बालक होते। और एक बात और सुन ले, ऐसा कोई माई का लाल पैदा ना हुआ जो सिट्टी की पूछ पे पाँव धर दे। तू चला जा, तेरी पूछ पे पाँव मैं ही धर दूँ, चला जा। क्यों बात अलग है? अरे आप, और वो भी अकेले, आज आपकी फौज कहाँ है?
हाँ आज कोई नहीं आया तो सोचा मैं अकेली आ जाऊँ, और कभी कभी अकेला रहना भी अच्छा लगता है। पर आप तो मेरे पास आ गए, अकेले कहाँ हो, अगर आपको अकेला बैठना होता तो आप उधर बैठते। ठीक है फिर मैं चली ही जाती हूँ, मुझे लगता है मैंने आपको पढ़ने में डिस्टर्ब कर दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, आप बैठिए ना। सॉरी। अरे आप बैठिए ना। नहीं नहीं आप पढ़ाई कीजिए, मैं चली जाती हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप बैठिए प्लीज। वैसे आपने कभी कोशिश नहीं की अपने माँ बाप के बारे में जानने की? नहीं मुझे जरूरत नहीं है, अब तो जो मेरे साथ हैं वही मेरे माँ बाप हैं। फिर भी आपको ये जानने का तो मन हुआ होगा कि आपका घर कहाँ है या आपके वजूद से जुड़ी हुई चीजें कहाँ हैं? अरे छोड़ो ना आप ये सब बात, आज आपका दोस्त नहीं दिख रहा जो अक्सर आपके साथ रहता है। अरे आया तो है पर वो अपना इलाज करवाने गया। क्या हुआ उसे? सब कुछ होने से पहले। मतलब? मतलब वो मस्त मोल आदमी है और कहीं घूम रहा है वो सिट्टी बजाता हुआ, अपनी जिंदगी वो अपने हिसाब से जीवे। अच्छी बात है। अच्छा आपके घर में कौन कौन है? मैं और मेरे पिताजी। और माँ? माँ तो जब मैं 4 साल का था जब ही भगवान को प्यारी हो गई थी। फिर आपके पिताजी अकेले होंगे? नहीं अकेले क्यों होते, 2 चाचा है चाची है, उनके सारे तो उन्हें छोड़ के आया हूँ मैं, ना मैं बिल्कुल नहीं आता। फिर यहाँ खाना आप बाहर खाते हो या खुद ही घर पे? खाना तो हम खुद ही बनाते हैं, देखो बाहर इतनी बीमारी चल रही है, कोरोना चल रहा है, वैसे खाना खुद ही बनाना चाहिए। बाबू? बाबू? ये बाबू कौन है? वो सॉरी गलती से मुंह से निकल गया। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसे वर्ड पसंद नहीं है। मैं आगे से ध्यान रखूंगा राधा। वैसे आपकी हॉबीज क्या क्या है? मुझे जरूरतमंद की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। अरे नूना पूछ रहा मैं, जैसे कुछ खाना हो, कहीं घूमना हो और बहुत सारी चीज हो, नए लत्ते कपड़े हो, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं। मैं उतने ही सपने देखती हूँ जितना मुझे देखने का हक है, अगर मुझे उससे ज्यादा सपने देखने का हक होता तो ऊपर वाला मुझे दूसरों के सहारे नहीं छोड़ता, मुझे अपने परिवार के साथ रखता। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? छोड़िए इन सब बातों को, अच्छा अब मैं चलती हूँ। रुकिए ना 5 मिनट और बैठ जाइए। पर 5 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए, मुझे आश्रम में काम भी होता है। ठीक है बैठो। थैंक यू। क्यों? आश्रम में आके का तुम मेरे काम में हाथ बटा दोगे? हाँ बटा दूंगा, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा जब मैं आपकी हेल्प करूँगा। अच्छा तुम्हें क्यों अच्छा लगेगा बोलो ना, क्यों अच्छा लगेगा आपको? दोस्त की मदद करना बुरी बात है क्या? अब ये दोस्ती कब हुई? मुझे ना पता कद हुई। झूठ बोल रहे हो तुम, अगर सच बोलते तो मुझसे यूं नजर ना चुराते। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं जीवन में तुम्हें कोई खुशी दे पाऊं। झूठ तो नहीं बोल रहे हो तुम? झूठ बोलकर मैं मेरे दोस्त को नाराज नहीं करना चाहता। मुझे तो आपका नाम भी पता नहीं है। मेरा नाम है मोहन, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम राधा है। ठीक है तो फिर मिलते हैं, 5 मिनट में पूरी होगी ना। अपना फोन दो मुझे। हाँ ये आश्रम का नंबर है और ये फोन मेरे पास ही रहता है। ठीक है अब मैं चलती हूँ। वाह बेटे मुझे तो ज्ञान दे रहा, खुद छोरी पटा ली, नंबर भी खुद ही देगी। अरे नहीं यार बस दोस्त है। अभी तो दोस्त है फिर प्यार होगा, फिर शादी होगी माँ का जूता। शादी? तू तो बहुत आगे तक की सोच रहा भाई। तू शादी कर या जसुट्टन कर, मुझे तो पार्टी चाहिए पार्टी बस। सिट्टी आज तुझे राजमा चावल बनाकर खुआता हूँ। हाँ तो चल। चल माँ का जूता।
देखियो बुड्ढा क्यों गेटवा पाल रहा है। जितेंद्र, जितेंद्र कैसे गला पाल रहा है? मौत भी नहीं आती इस बुड्ढे को, दिमाग खा लिया, सोने भी नहीं देता, देख लो जाके। क्या हुआ भैया? भैया बैठो बैठो। अच्छा कुल्ला कर लो फिर थोड़ा सा। किशोर किशोर गाड़ी निकाल जल्दी भाई, बहुत दर्द हो रहा है। कोई नहीं, डॉक्टर पे चलेंगे, अच्छे से डॉक्टर पे चलेंगे। किशोर जल्दी गाड़ी निकाल, भैया की तबीयत खराब है। आलिया आजा जल्दी, फिकर मत करो, डॉक्टर पे चल रहे हैं। क्या हुआ भैया की तबीयत खराब हो रही, जल्दी तू गाड़ी निकाल। ये पता नहीं क्यों रोड़ा तार रहा है बुड्ढा, ना सोने देता ना खाने देता, कहाँ ले जा रहे हैं ये गाड़ी? चिंता मत करो भैया, गाड़ी निकाल लिया, जल्दी चल रहे हैं गाड़ी से, जल्दी चिंता मत करो। सारे तो इनके कपड़े गंदे हैं, गाड़ी ले जाने की जरूरत नहीं इनके लिए, ट्रैक्टर पे ले जाओ इन्हें या मोटरसाइकिल पे ले जाओ। भाई कहीं पे भी ले चल, पर ले चल। अरे किशोर छोड़ गाड़ी, मोटरसाइकिल ले चलना है, चलो भैया आओ जल्दी आ भाई। किशोर तू चला मैं पकड़ के बैठूंगा। आओ भैया बैठो, संभाल के भैया बैठो, चल भाई संभाल के चलाइए तू भाई, चलो भैया चलो। एक काम करिए, हाँ मोहन को ना बताइयो, मोहन को ना बताइयो। तुम चिंता मत करो, हम नहीं बताएंगे। तुम चलो सही, चला भी चला। अरे यार तने फिर बीड़ी बाल ली। ले कर ली बंद, आ बैठ। यार के बिंदास लाइफ थी गांव की, साला किसी को पीट लेते थे और किसी को भी धो लेते थे, और मैं बहुत दिनों लिए कोई हाथ नहीं लग रहा, हाथ में भी खुजली हो रही है। तू एक काम करे कर, तू अपने हाथ ना साबुन से धोई कर, और रोटी बनाने की भी सोच ले। हाँ भाई हमें तो सोचना पड़ेगा खाना बनाने के बारे में, तन्ने तो कर लिया ना अपना खाना बनाने वाली का जुगाड़। अरे वो दोस्त है मेरी। दोस्त हो या घरवाली है तो लड़की मारे नसीब में तो होगी ना। काम ठीक ठाक रख, थोड़ी ठावस रख, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा आसाराम जी, नहीं नहीं सॉरी मोहनदास जी। एक काम कर, उसे फोन तो कर ले, कभी इंतजार कर रही हो? हाँ कह तो सही रहा, हाँ। फोन कर लूं, कभी नाराज हो जा, हाँ। और फिर बाद में लड़े। ले मुझे दे फोन, मैं करूं। है तुझे कुछ दे दूं? मैं करूं हाँ। कर ले फिर। कर लूं, कभी बाद में लड़े। कर ले कर ले। कर ले, मैं करूं फोन, मुझे दे। अरे नहीं मैं करूंगा। क्या हुआ? अरे ठाए ना यार, कर्जा ले रखा हुआ, कर्जे वाले का फोन समझ के फोन नठा रही होगी। ओ पहलवान दिमाग पे जोर मत दे कर तू, कदी यू फट जा। भाई मेरे तो सारे काम जोर से ही हो। हाँ मुझे पता ना इतने जोर लगा हुआ है तू, खूब आवाज आवे मुझे सुबह सुबह जब तू जोर लगा रहे बाथरूम में। ते राधा कहिए, देख देख कर्जे वाली बता रहा था, कर देते ड्रास के ऊपर। कर बात कर। हाँ जी कौन? आपका फोन आया था। जी मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? जी मोहन। बोलो क्या काम है? अजी काम तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही फोन कर लिया था। अच्छा फिर रख दूँ फोन? रख दे, इसका तो बोलना लिगड़ने का।
फोन पे तो आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे जानते ही नहीं हो। जानती तो हूँ। तो किसी काम से ही फोन कर सकता हूँ मैं आपको? मजाक कर रही थी। अरे वाह, इतना अच्छा मजाक कर लेते हो आप। सॉरी। सिटी, तू एक काम कर, तू रोटी बनाने चल, मैं भी आ रहा हूँ। ओ भाई, अगर सेटिंग ऐसी हो ना तो भैया मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, माँ का जूता। खाना खाया आपने? अभी नहीं, अभी तो सभी को खिला के आई हूँ। पहले खा लो आप। थोड़ी देर में खाऊंगी बस। मतलब बात करने का मन है आपका? मतलब तुम्हारा मन नहीं है? ऐसी बात नहीं है। अच्छा सुनो, कल मिलते हैं। हाँ, शाम को पार्क में मिलते हैं। मैं मॉर्निंग में भी पार्क में आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह घूमना। आती तो मैं भी हूँ, पर रोज नहीं। तो अब आप रोज आया करना। अच्छा जी। हाँ और क्या। चलो अब मैं खाना खा लूँ और सभी को दवाई दे दूँ, ठीक है? ठीक है। ओके, गुड बाय। गुड बाय। अरे तन्ना फेर लगा ली भाई बीड़ी। अरे तेरी तो अब यार सेटिंग होगी, अब तो पिलिंदे की बीड़ी। पर एक बात बताई, इतनी जल्दी फ्री कैसे हो गया? अरे यार, आश्रम में जो वृद्ध आदमी है ना, उन्हें दवाई दे लग रही है। अच्छा। संभल के भैया, संभल के। आराम से। आराम से, आराम से। मैं चादर लेके आ रहा हूं। है बुड्ढे को दवाई अब टाइम पे देनी पड़ेगी, डॉक्टर बता रहे आप कुछ भी हो सकता है। हम तो यही तो चाहते हैं। तू चाहे क्या अपने हाथ से मार दूं उसे? हम क्यों मारे, बुड्ढा खुद ही मर जाएगा, वैसे ही टाइम खराब है उसका। चल परे को। अब तुम क्यों टेंशन में बैठे हो? बस ये सोच रहा हूँ यार, कैसा होगी समझ में नहीं आ रही। कद मरेगा यू? मैं तो चाहती हूँ जल्दी मर जावे, पीछा छूटे। चाहने से कुछ होने का तो ना? होगा, तमी बोल रहे हो दवाई टाइम पे देना। अरे दवाई टाइम से देने से कुछ ना होने का, कुछ और ही करना पड़ेगा। भाई साहब, डॉक्टर ने 4,000 रुपए लिए और जितेंद्र भाई ने अपनी जेब से दिए। मैं दे दूंगा उसके पैसे, सुबह पैसे दे दूंगा मैं उसके, दे दूंगा मैं पैसे। आराम से, आराम से, आराम से। मैं चलूंगा आपके साथ गाड़ी लेके, कल गाड़ी लेके मैं चलूंगा आपके साथ, ठीक है? जितेंद्र के पैसे, सारे पैसे दे दूंगा मैं उसके। ठीक है, ठीक है भाई साहब, मैं भिजवा दूंगा। आप सो जाओ, सो जाओ। मैं पैसे दे दूंगा, मैं दे दूंगा पैसे, सारे पैसे दे दूंगा। ठीक, ठीक है। पूरा दिन खराब कर दिया बुड्ढे ने। ये पता नहीं शाम को मेरा पीने का टाइम हो जाता, बीमारी हो जाती है शाम को, बीमारी। हद है यार। हाँ, दारू तो अभी है। मेरी जाने मन। चिंता मत कर, तू तो आज रात की महबूबा है, कल तो तेरी नई सोतन आ जाएगी। आ हा 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 हा।
कहाँ थे तुम? तुम्हें पता मैं कब से वेट कर रहा हूँ? क्यों वेट कर रहे थे? बोलो ना क्या हुआ? मुझे ना पता। बताओ ना क्यों वेट कर रहे थे? तुमने बोला था ना कि सुबह आऊंगी, बस इसलिए वेट कर रहा था। अच्छा, अगर मैं ना आती तो? ना आती तो थोड़ी देर परेशान होता और फिर चला जाता। अच्छा, परेशान क्यों हो जाते? इतने सवाल करेगी ना तो मेरा तो दिमाग ही चल जाएगा। शाम आपने मुझे खाने के लिए पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई नहीं होता मुझे खाने के लिए पूछने वाला कि तूने खाना खाया या नहीं खाया। पहली बार किसी ने मुझे खाने के लिए पूछा है। मेरा मन है सब कुछ जान लेने का कि क्या है तुम्हारे मन में मेरे लिए। मेरा तो मन है दोस्त को जीवन साथी बनाने का, पर? पर क्या? इसमें आपके हाँ की भी तो जरूरत है। देखो मोहन, आप बहुत अच्छे लड़के हो और आप लगते भी बहुत अच्छे परिवार से हो। आपके पिताजी ने आपको यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा है। उनको बहुत सारी उम्मीदें होंगी आपसे, आपकी पढ़ाई को लेकर, आपकी शादी को लेकर। तो? मेरा ना तो कोई परिवार है और ना धर्म जाति का पता, शायद ये मुमकिन ना हो सके। मैं और मेरे पिताजी घर में अकेले हैं। मेरे पिताजी काफी समय से बीमार हैं। उनकी देखभाल करना, सारा काम करना, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब पिताजी ने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया तो उनकी खुशी को मैंने अपनी खुशी समझा। मेरे पिताजी मेरी हर खुशी को अपनी खुशी मानते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो मना करेंगे। और रही बात धर्म की, तुम एक अच्छे इंसान हो तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। फिर भी मोहन, इतना आसान नहीं है। तो इसका मतलब तो इस चीज को आप ही नहीं चाहते? देखो, अपनी शादी और लाइफ को लेकर मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है और ना ही मेरे ऐसे सपने हैं। लेकिन जब से आपसे मिली हूँ मन में एक अजीब सी हलचल है और खुशी भी है। चलो आओ, चलते चलते बात करते हैं। वैसे शादी वादी के बारे में तो सोचा मैंने भी नहीं है, लेकिन जैसे तुम दूसरों के लिए जीते हो, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जीऊं। जीवन की हर एक खुशियां तुम्हारे सामने लाकर रख दूं जिसकी तुम हकदार हो, और हर सुख दुख में आपका साथ देना चाहता हूं। ऐसे क्या देख रही हो? मोहन, मैं बहुत छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढती हूँ, और जो सपना तुम मुझे दिखा रहे हो, अगर वो पूरा ना हुआ तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है इतनी खुशियों की। राधा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अबे यार, कहाँ गई? इसकी चाबी दिए तिजोरी की, अपनी अपनी चलावे। क्यों रुक के तार रहा है, क्या हो गया? इसकी चाबी कहाँ है? सुन, ऐसा बिल्कुल ना होने देने की हम। अब हमें कोई नहीं रोक सकता, जो हम चाहेंगे इस घर में वही होगा। ज्यादा जल्दी करना ठीक ना, अरे है तो सब अपना ही। जल्दी से जल्दी सारा माल लूटो और निकलो यहाँ से। बुड्ढे ने कौन सा अपनी जेब में भर रखा है, तिजोरी में भर रखा है, अबे समेटना पड़ेगा, ऐसे सिमट रहा है क्या सब कुछ? पहले तो इस ट्रैक्टर के सोल बिठाओ, इसे बेच के सारा पैसा हजम कर जाते हैं। हाँ यार, यू सही कह रहा, और मोहन आएगा उससे क्या कहेंगे? अरे तू दूध पीते बारे से डर रहा है क्या? बात वो ना है यार। अभी सही कह रहा, तू बैल का बैल रहेगा, तेरे में दिमाग ना कतई बिल्कुल भी। चल पागल। यार इसका क्या करूं, ना बुढ़े की समझ में आ रही, ना इसकी समझ में आ रही, ना उस लुगाई की समझ में आ रही। चाबी और नाले का आज इसी देखूंगा। अरे ज्यादा बड़ा कंप्यूटर बाजना बना ले, खा ले जलेबी। अरे भाई वाह सेट्टी, तेरे में भी दिमाग की कमी नहीं, मुझे भूख लग रही थी और तू जलेबी ले आया। अरे मेरे में है के दिमाग और बेहिसाब ताकत, पर दुख इस बात का है किसी काम नहीं आ रही, सब बेकार है। जब से दिल्ली आया हूँ इस कोरोना ने मार दिए, और मैं कुछ करना चाहूँ तू कर नहीं देता। अरे मन ने तुझे कौन सा खुट्टे बांध रखा, तू मेरी माई तक कहीं धक्के खाता फिर? वाह बेटे, लड़की मिल गई तो मैं कहीं भी धक्के खाऊं, माँ का जूता। अरे भाई इसमें लड़की कहाँ था अभी, तू ही तो कह रहा कि मैं कुछ नहीं करने देता। अरे भाई उससे बात करके मेरी भी सेटिंग करवा देना।
अरे वो मेरी सेटिंग ना दोस्त है यार। अरे किसी ऐसे आदमी को भी जाना है कि तू जब बबूते दे और सेटिंग हो जा। मुझे ना पता, मैं ना जानता। मेरे धोरे एक जुगाड़, मैं फोन पे मंगा दूंगा दवाई। फोन तो आता ही, तू चुप मार यार, पिताजी धोरे फोन भी तो करना है। हाँ कर ले। हेलो हेलो पिताजी, राम राम। राम राम भाई, राम राम, क्या हाल है तेरे? हाँ ठीक हूँ पिताजी, आप भी ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पढ़ाई ठीक चल रही तेरी? पढ़ाई तो ठीक चल रही है, पर पिताजी मैं नू कह रहा था, कमरे का किराया देना और कुछ खर्चे को भी चाहिए, थोड़े बहुत पैसे भेज देते। बेटा मैं तेरे खाते में कल ही पैसे डलवा दूंगा और तू अपने एटीएम से निकलवा लिए। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा, पढ़ाई मन लगा के करिए। ठीक है पिताजी, राम राम। राम राम भाई, राम राम। पढ़ाई तो बढ़िया ही कर रहा। अरे भाई बबूत के लिए मंगा रहा, दिखे पैसे माँ का जूता। अरे मुझे जरूरत ना, चल तू गाना मन ना बोले कर, समझ गया ना, माँ का जूता। मुझे और सिखा दी ये सब चीज, माँ का जूता। बेटा सामने चलो, इसे बात करेंगे अब। आगे भाई। हाँ भाई। हाँ भैया जी, भर दी। अरे किशोर कल एक काम करिए जी, मेरे साथ बैंक लो चलिए, मोहन का फोन आया था, उसे कुछ पैसे की जरूरत है। महीने भर का जुगाड़ हो गया। अरे क्या बात, क्या सोचने लगा? कुछ नहीं भैया, मैं ये सोच रहा था कल बैंक तो जा ही रहे और आपकी दवाई भी आनी है, तो दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कल दवाई भी ले आएंगे। चल ठीक है, अब तुम दोनों एक काम करो, जाओ और आराम करो, खाना भी खा लियो। भैया मैं ये कह रहा था, ट्रैक्टर गड़बड़ कर रहा, लोड पे जाते बार बार बंद हो जा। अरे इसे तो जैसे तैसे करके मोहन चला ले कर रहा था, उसके हाथ तड़े ही हो, चलो इसे भी दिखाऊंगा। भैया जी मैं नुका रहा था, कुटुबा गांव में एक आदमी अपना घर बार बेच कर सब अमेरिका जा रहा, और उसके घर ट्रैक्टर है नीला 60, 14 अन्य तो टायर है उसके, और कंडीशन नंबर 1 की, 3 सिलेंडर है, पूरी खेती को उठाए कर रख देगा। अरे यू आई सर, इसने हमारी जिंदगी खराब कर रखी है, रोज हाथ काले करता है, कल तो इसका मुंह काले होते होते रह गया। भैया हमारा ट्रैक्टर 1.5 लाख का बिक रहा। भाई यू तो 1.5 लाख का बिक रहा, पर वो कितने का आएगा, उसमें घेरने के लिए मेरे पास और पैसे ना है। भैया इतने में ही आ जाएगा वो भी। अच्छा हाँ जी भाई, मोहन से बात करके देखेंगे। भैया मोहन से मेरी बात हो गई है। बात होगी मोहन से भी, चलो देख लो तुम्हें अगर अच्छा लगे। अरे एक बात देख लियो, इसे सौदे को ठीक ठाक देखभाल कर जब करियो। उसकी चिंता मत करो, उसके लिए मैं हूँगा। चले? हाँ ठीक है। अरे भैया कहाँ चले गए थे? पता है डॉक्टर ने मना कर रखी तुम बाहर घूमने को। अरे ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर तो मना करते ही रहे, बाहर घूम लू ना तो शरीर ठीक रह जाएगा। अरे भैया घूमना हो तो घर में टहल लिया करो ना, इतना बड़ा घर है हमारा। अच्छा एक काम करिए तू। जी भैया। अरे पैसे निकलवा के लाया, 15,000 रूपए। हाँ हाँ ये मोहन के खाते में डाल दे, उसे भिजवा दे। हाँ भिजवा दूंगा, भिजवा दूंगा भैया, भिजवा दूंगा। देख कुछ चाय पानी हो तो भिजवा। ठीक है भैया, भिजवा रहा हूँ भैया। अरे हाँ कल जरूर डलवा दिए याद करके। ठीक है भैया। आ हा हा हा, पूरे महीने का जुगाड़ हो गया, अब तो खूब पीऊंगा छिक्का इंग्लिश। भाभी आप? मिल गई तनख्वाह? हाँ मिल गई। कितना मिला? 15,000। तो करें बंटवारा। ये उस सपोले को दे देना। अच्छा और ये तुम्हारा हिस्सा, बाकी का हमारा। बाकी थारी मर्जी है जी, मैं तो न्यू सोच रहा है इस पूरे महीने इंग्लिश पिता, पर चलो कभी कभी एक आध दिन देसी भी चल जाएगी। अच्छा ठीक है, तो भैया मैं भी चलूं मंदिर और लाऊं प्रसाद।
मेरे सपनों की गिलहरी, मेरे सपनों की गिलहरी। यार तू रोज लेट करवावे, पूरा साल होने वाला कॉलेज को, पर हमेशा तेरी वजह से लेट जावे हम। एक दिन भी ऐसा ना जो तू टाइम पे तैयार हुआ हो। ओ भाई सुन ले, लोंडिया तू नहीं देखन देता, मौज मस्ती तू नहीं करने देता, मैं कॉलेज जाके के करूं, मेरा न जी करता जाने को। यार मैं तो यही ठीक हूँ। भैया कॉलेज में तो जाना पड़ेगा, और जरूर जाना पड़ेगा। चाचा राम राम। हाँ राम राम। अरे मोहन, भैया ने 4,000 रुपए दिए हैं तेरे खाते में गिरवाने को, बाकी बाद में गिरवा दूंगा। चाचा 2500 रुपए तो मुझे किराए में ही देने हैं। हाँ। बाकी 1500 रुपए मेरा खर्चा कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? बाकी भैया डलवा देंगे, अभी निकालना बैंक से। और सुन, अभी थोड़ा हाथ खींच के खर्चा करिए, घर में पैसे ना है। ठीक है चाचा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं बाद में बात करूंगा। हाँ चाचा राम राम। चले बेटा, इतना तो तुझे मिल भी रहा है, फिर तेरे नसीब में इतना होने का ना है। भाई। अरे कर आया पैसे मोहन के खाते में जमा? हाँ भैया कर आया, 4000 रुपए करके आया हूँ। 4000? हाँ। जो बुड्ढे को पता चल गया मोहन ने फोन कर दिया उसे, तो उसका जुगाड़ मैंने पहले ही कर रखा। क्या जुगाड़ है? बता रहा हूँ, यू देख बुड्ढे का फोन, ना फोन खड़खड़ाएगा ना बुड्ढा बड़बड़ाएगा। अच्छा तू नहीं बता, तूने उस ट्रैक्टर के बारे में कुछ सोचा है? नहीं सोचा, कहाँ ठिकाना लगाना है उसे, कब लगाना है? लगावेंगे उसे भी। तू बोला सोच रहा है यार, वो दोस्त है मेरी। ए भाई एक बात तो बता, वो तेरी सेटिंग वाली पार्टी अभी बाकी है, उसे कब देगा? अरे यार कहाँ तो दे पार्टी, पिताजी खर्चे लाख तो पैसे भिजवा रहे हैं, इनमें हमारा रोटी पानी का जुगाड़ हो जाए वही बतेरा। बस जब ही तो वो दोस्त है ना, कब की सेटिंग ना बनी होती। अरे तू छोड़ पार्टी को, चलो मैं चाचा को फोन करके देखता हूँ। कर ले। फोन नहीं उठा रहे यार। मेरा चाचा भी सो रहे होंगे। चल सांझू करूंगा फोन। हाँ अरे कहाँ गया फोन, कहाँ रख दिया भाई? अरे किशोर, ओ किशोर, जितेंद्र, ओ जितेंद्र। हाँ भैया। अरे मेरा फोन देखा आ गया कहीं? फोन? फोन तो ना देखा। अरे कहाँ चला गया मेरा फोन, देखिए घंटी घुंटी मारी है उस पे। घंटी तो जा रही है। घंटी जा रही? साइलेंट तो ना कर रखा? अरे मेरे पे फोन चलाना तो आता ना, मैं साइलेंट कर दूंगा क्या? देख तो कहां गया फोन। भैया घंटी तो पूरी जा रही है, उठाया ना रहा। भाई एक काम कर। बताओ। तू मोहन को फोन लगा, मैं मोहन से नु पूछूं उस पे पैसे वैसे गए कि नहीं गए, मुझे तो मोहन को फोन लगाना था। ओ किशोर बता रहा था पैसे तो चले गए भाई साहब, उसने उसके खाते में डाल दिए और फोन करके पूछ भी ली। चलिए तो बढ़िया हो गया, पैसे उस पे चले गए। हैं? पर मेरा फोन कहाँ गया? फोन दिखवा भाई। चलो फोन भी ढूंढवा देंगे, तुम आराम करो बैठो। रात का बचा हुआ खाना है, ये गरम करके दे देती हूँ बुड्ढे को। लो भाई साहब खाना खा लो। ये खाना? चावल बनाए भाई, आज तो बिरयानी है। हाँ जी। वे कहाँ जितेंद्र किशोर? पता नहीं, यही कहीं गए होंगे, आते होंगे। अच्छा अच्छा ठीक है।
हाँ जी बना तो बहुत बढ़िया रखा। हाँ जी पर मुझे तो हल्का सा दाल रोटी दे दिया कर, चिकनी चीजें हजम ना होती है मेरे। जी जी भाई साहब ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। कैसे परेशान हो? यार मैं सुबह से पिताजी को फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा। चाचा को किया? हाँ चाचा के पास ही फोन किया था लेकिन वो उठा नहीं रहे, मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करो, क्या पता किसी काम में बिजी हो। इस टाइम तो बिजी होने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में फोन आता ही होगा। हाँ और बताओ। क्या बताऊँ? तुम्हें मेरे अंदर सबसे खराब बात कौन सी लगती है? ऐसी कोई भी बात आज तक खराब नहीं लगी, अगर कभी लगी तो जरूर बताऊंगी। हाँ हाँ बता देना, मैं अपनी गलती में सुधार करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा होने दूंगी? जान ले लूंगी तुम्हारी अगर ऐसा सोचा भी तो। अच्छा जी अब क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मुझे बार बार पिताजी का ख्याल आ रहा है। तुम फोन करो चाचा को। ठीक है लगाता हूँ। हेलो हेलो चाचा, पिताजी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? भैया वो सो रहे हैं दवाई खा के। ये कौन सा टाइम है सोने का? अरे वो तबीयत से ढीली थी ना, दवाई खा के लेट गए। अब तेरी बात ना होने देने का हूं मैं। क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी सो रहे हैं, चाचा शायद खेत में है, थके हुए से भी लग रहे थे। हो सकता है थक गए हो। एग्जाम सर पे है, चल मैं भी चलता हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, शाम को खाना खाकर कॉल करूँगा। ठीक है अपने खाने पीने का ध्यान रखा करो। ठीक है। कभी पढ़ाई के चक्कर में ऐसे ही रह जाऊँ। ठीक है। अरे मुंह तो दिखाई नहीं रही, आगे निकलना पड़ेगा, माँ का जूता गिर गया। यार नंबर तो दे जा अपना। शकल देखी है तूने अपनी? मुझे नहीं पता, हंसगी तो फंसगी सारी, नंबर दे के जा अपना। भुने हुए आलू जैसा थप्पड़ तो दे सकूं, चाहिए? सिट्टी के हाथ लगा देगी तू? सिट्टी? नाम तेरा सही रखा है तेरे घर वालों ने, तू है भी सिट्टी जैसे ही। घर वालों ने तो ढोलक रख दिया था, पर मेरे दोस्त सिट्टी भाई कह के पुकारते है मुझे। अब के हुआ जाने मन? मेरा बॉयफ्रेंड है राहुल। के राहुल? उसकी तो टांग तोड़ दूंगा मैं, नाम ही सिट्टी है मेरा, बज्जे फाड़ने बहुत माहिर हूँ मैं। मेरा बॉयफ्रेंड देख लेगा ना तेरा भपूसा फट जाएगा। अरे उसे कर परे को, तू हाँ कर दे, उसका तो ढोल सा पार दूंगा मैं। पहले कुछ खा पी ले। अबे सोच ले कुछ है। ये आजार चली जा, कुछ जुगाड़ बनाना। चलू मैं तो, मोहन बाट देख रहा होगा माँ का जूता। Thank you.
जितेंद्र, जितेंद्र, किशोर, किशोर, हाँ भैया, भैया क्या हुआ? डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर किशोर, क्या हुआ? अरे नहीं भैया, ऐसा मत बोलो, भैया उठो, अरे कोई है क्या? कोई है? बाइक है कि भैया, बाइक से चलते, भैया, भैया हिम्मत रखो, भैया हिम्मत, भैया भैया, भैया, एक मिनट भैया, संभालो, बैठो भैया, संभाल क्या? मेरी कोली भर लो, मुझे पकड़ लो, बस बस भैया थोड़ी देर की बात है। अरे मेरी माँ, मेरी तो लाइफ बन गई। हाँ, आज से मेरा है ये। अरे तुम तो बुड्ढे को लेके गए थे। गया तो था उस बुड्ढे को लेकर, रास्ते में किशोर मिल गया तो वो चला गया उसे लेकर। अच्छा चलो आओ अंदर, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। आज क्या दिखाना चाह रही है? चल दिखा, क्या दिखावेगी? ये तो भाभी के गहनों का बक्सा है। यही तो मैं बोल रही हूँ, इसके अंदर क्या है वो देखो। अरे रहन दे, कोई देख लेगा। तने उड़ा दिए, चल संभाल कर रख देने, चल बंद रहने देने, फिर कभी कोई आ जाए मरवाएगी। इसे अपने अंदर बक्से में दाब ले। अब तो किसी तरह सब कुछ अपने नाम करो और चलते हैं कोई अच्छे शहर में। अपना मकान होगा, सब कुछ अपना होगा। हाँ हाँ, बनाता हूँ कोई प्लान, ताकि हमारा भी बन जाए शहर में मकान और बनी रहे अपनी आन बान शान। कैसी कही मेरी जान? रख ले, दबा कर रख ले। मैं पंखा चला दूं तनक। भैया आप आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाता हूं। क्या बताया भैया को? अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा बीपी सा बढ़ गया था, बाकी सब ठीक ही है। भैया तुम आराम कर लो, जो ट्रैक्टर ले रहे थे ना अपना, उसका फोन आया था, वो आज ट्रैक्टर ले जाएगा और कल को हम अपना नया ट्रैक्टर ले आएंगे। भाई जितेंद्र एक काम करिए, लेन देन को सही से कर लियो, अच्छी तरह से है लिखवा लियो, और उसका ट्रैक्टर भी पुराना ही है, उसकी भी देखभाल करवा लियो, चेक करवा लियो अच्छी तरह, ठीक है भाई? भैया तुम चिंता मत करो, बस आराम करो, हम सब संभाल लेंगे। भैया आप बेफिक्र रहो, ठीक है भैया? अगर तुम ना होते तो मेरा कौन करता, मैं तो मर ही जाता। मेरा ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? भैया ऐसी बात मत करना, ऐसी बात मत करो भैया। हम है ना
हम सब संभाल लेंगे भैया। ठीक ठीक है भैया। बनाओ प्रोग्राम। यार आज तो बुढ़ा मरते मरते बच गया। बीमारी बहुत खतरनाक है, किसी भी टाइम मर सकता है। चल आज ना तो कल मरेगा, मरेगा तो है ही, मरना ही चाहिए। नमस्कार जी। राम राम बेटा। चल राम रही है सरकार पलटने की तैयारी। अपनी पलटी पड़ी है भैया। कोई बात ना, ताऊ आओगी थारी सरकार भी। तू बैठ, मैं घूम कर आ रहा हूँ अभी। हाँ घूमिया जा। आ जा भैया। और सुनाओ ताऊ। बस ठीक है भैया। अरे तुम यहाँ? अरे मैंने सोचा कि ससुराल देख के आऊँ। अच्छा जी, शादी से पहले ससुराल? जब दिल का रिश्ता बन जाए तो क्या आज और क्या कल। जब से तुम्हें देखा है यारा, तेरे बिना ना होगा गुजारा। दिल की है हसरत बस यही, हर जन्म हो बस तू ही, हर जन्म हो बस तू ही। जब से तुम्हें देखा है यारा, तेरे बिना ना होगा गुजारा। दिल की है हसरत बस यही, हर जन्म हो बस तू ही, हर जन्म हो बस तू ही। हसरत बस यही, हर जन्म हो बस तू ही, हर जन्म हो बस तू ही। बिन तेरे अब रहना तू ही। अरे कहाँ खो गए? वो आपका आश्रम बड़ा खूबसूरत है। पसंद आई ससुराल? हाँ ससुराल तो पसंद आई, पर कोई साड़ी वाली भी है के? मिलवाऊं साड़ियों से? वो मैं तो वो सिट्टी की मारी कह रहा था। अपना तो कर लो पहले। अच्छा बड़ी लगी सिट्टी की। चलो मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ।
अरे क्या हो गया यो? अरे अरे भैया दही तोड़ दिया आज तो। अरे क्या बात है मेरे भैया, मेरे तो कंधे ही महसूस ना हो रहे। मेरी तो रीढ़ कैसे टूट गई रे, इतना मारा। अरे किसी ने मार दिया क्या बात है भैया? हम जा रहे थे यहाँ से ट्रैक्टर लेने, दो मोटरसाइकिल लाई, पांच चार आदमी थे और हमने सोची एक्सीडेंट हो गया, मगर हम जैसी समझ ले उन्होंने मारने शुरू कर दिए। अरे उन मोटरसाइकिल का नंबर भी देखा तुमने भैया? उसमें नंबर ही ना मोटरसाइकिल में। भैया शुरू में तो मुझे तीन लट दिखाई दिए, बाद में तो दिखने बंद हो गया। और भैया उन्होंने तो मुंह पर कपड़ा भी बांध रखा था रे। भैया अरे भाई बहुत प्रधान जी क्या हो गया? भाई क्या बताऊं, ट्रैक्टर बेचा था, उसके पैसे थे 1.5 लाख रुपए, इन पे नया ट्रैक्टर लेन जा रहे थे, इन्हें रस्ते में बदमाशों ने लूट लिए और मारा भी बहुत है। अजी लॉकडाउन में लोगों के धंधे तो हो गए बंद, लोग लूटपाट ना करेंगे तो और क्या करेंगे? भाई कह तो ठीक रहे पर मारा तो नाश हो गया। अरे नहीं भैया, ऊपर वाले का एक एहसान है, कोई अनहोनी ना हुई, दोनों की जान बच गई, पैसे का के है फिर कमाया जाएगा। भैया आप चिंता मत करो, हम दोनों दोबारा से मेहनत करेंगे और इतनी मेहनत करेंगे कि फिर बड़ा ट्रैक्टर लेकर आएंगे। भाई श्याम एक काम करिए, तेरे पड़ोस में वो डॉक्टर है ना, उसे भेज दे, मरहम पट्टी का सामान ले आएगा। ठीक है जी। ए बहू हल्दी का दूध ले आइए 2 गिलास। ए बहू 2 गिलास हल्दी का दूध ले आ। तुम आराम करो। भैया भैया बहुत दर्द हो रहा। जाओ तुम एक काम करो, अंदर ही जाओ, वही चल भाई। कितना बुरा हो रहा, कितना बढ़िया कमाई में लग रहे थे, क्या हो रहा इस दुनिया को? फ्री का चाहा बस लूट लिए, हैं? पैसे ही ले लेते, शरीर भी तोड़ दिया। मोहन जब लो यहाँ था सब ठीक था, मोहन के जाते ही तो इस घर के ऊपर कोई ग्रह सी आ गई। मोहन ए बेटा मोहन, क्या करूं, वो तो वहां पढ़ रहा होगा, इस बीमारी ने भी मुझे बेकार कर दिया, बेकार कर दिया, बेकार कर दिया। ए परमपिता परमात्मा है। जितेंद्र। हाँ भाई। अभी माल रख देते हैं, कल बांटेंगे। अरे माल अपने कब्जे में, कदियों बांट लिए, तेरा मेरा क्या बटा है? चल लेट जा। ये थाम पूरे 1,80,000 रुपए। पर तुम तो 1.5 लाख ले गए थे, 1,80,000 कहाँ से आए? हाँ मैंने 30,000 की मोटरसाइकिल भी बेच दी। अच्छा किया आपने। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आती हूँ। जल्दी लिया मेरी जान, इन्हें संभाल के धर दिए? हाँ जी। चल मैं ही धर देता हूँ फिलहाल तो यहाँ। मेरा क्या होगा? अरे काफी टाइम हो गया यार, पिताजी से बात नहीं हुई। एक चाचा है, फोन मिलाऊं फोन नहीं उठाता। तुझे तो पता पिताजी की तबीयत खराब रहे, बहुत ज्यादा चिंता हो रही है यार मुझे। पिताजी का नंबर लगता ही नहीं, अब बंद पड़ा बिल्कुल ही। अरे तेरा चाचा खेत में गया होगा, फोन घर पे रह गया होगा, ऐसी कोई बात ना। अगर ऐसी कोई बात होती तो तेरा चाचा तुझे बताता ना। कहीं बात तो तेरी ठीक है यार, पिताजी बीमार है, मैं चिंता तो होगी ना। अरे तू तो मान ही नहीं रहा, मैं कह तो रहा हूँ मुझसे बिल्कुल ठीक पाऊंगी, तू बेमतलब की चिंता ना कर। अरे आप कहाँ जा रहे हो? अब मेरा के काम यहाँ, तुम करो फ्यूचर प्लानिंग। ओ फ्यूचर प्लानिंग के फुप्पा, पड़ जा तले लेवे, मैं तो बैठ जाऊंगा।
अरे पता ना चाचा ने फोन कहाँ गिर रखा, कोई फोन था ही नहीं रहा। अरे तू फिर फालतू की चिंता में बढ़िया, अरे तू सबर कर ले, तेरा चाचा फोन खुद कर लेगा। अरे अभी आपकी पिताजी से बात नहीं हुई है क्या? अरे पिताजी से बात हो जाती तो इतनी टेंशन काहे की होती। आप काफी दिनों से अपने घर नहीं गए हैं, आप कुछ दिनों के लिए अपने घर चले जाओ। अरे एग्जाम सिर पे आ रहे हैं, घर कैसे चला जाऊं? आप प्लीज परेशान मत हो। तू तो यार नई नवेली दुल्हन की तरह घर का हेरवा कर रहा, अरे सब ठीक है वहाँ। अरे यार तुम छोड़ दो, कुछ और बात बताओ। और क्या बताना, फोन कर ले चाचा को, कर लेना, करना करना कर ले। तू टल जाते, मेरा दिमाग खराब मन ना करे। अरे तो नहीं तो कोई यहाँ बैठने को, कौन समय थर थर बैठने में राजी हूँ यहाँ। तू फुकता क्यों ना, जा। हाँ, चल जा चल। रहा हूँ ले। आज इतना लेट कैसे आए? वो आश्रम में टाइम लग गया था थोड़ा सा। जब तुम साथ होती हो तो मुझे कोई चिंता नहीं होती, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। आखिरी सांस तक रहूंगी। अरे थारी भान गई, यू कैसे खुला पड़ा है? अरे चीज पत्थर कहां गई, बक्सा भी खुला पड़ा, दरवाजे भी खुले पड़े, आज तो नाश कर गया दिखे कोई भाई, आज तो नाश कर गया कोई, कागज पत्थर भी सब जा लिए। अरे जितेंद्र, किशोर, अरे किशोर, जितेंद्र, अरे कहां रह गए ये, माने तो कर गया आज जागरण कोई। अरे जितेंद्र, किशोर, भैया भैया क्या हुआ भैया, मैं अभी दवाई लेके आता हूं। भैया अरे जितेंद्र, जितेंद्र जल्दी आ। भैया अरे क्या हुआ भैया, कुछ तो बोलो भैया, कुछ तो बोलो, लो दवाई खाओ। क्या हुआ भैया? रात घर में चोरी होगी। चोरी? मोहन की माँ के कोई कहने ले गया। क्या बात कर रहे हो भैया, ध्यान से देखो यहीं होंगे कहीं। इस घर को पता नहीं किस कम भगत की नजर लग गई, नुकसान पे नुकसान होता जा रहा। मोहन जब से गया ना घर में बहुत नुकसान हो रहा, मोहन को क्यों भेज दिया मैंने। भैया आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा, क्या ठीक होगा, यहाँ तो सब बिगड़ता ही जा रहा, अब तो मुझे मरना होगा, मेरे मरने के बाद ही सब ठीक होगा। भैया आपको हमारी कसम है, ऐसा मत बोलो, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ, कहीं आपकी तबीयत और ज्यादा खराब ना हो जाए। जल्दी कर जल्दी। अच्छा मैं जा रहा हूँ। भैया हिम्मत रखो, लेट जाओ, इधर आ जाता हूँ।
भाभी चीजें कब उड़ाई? कल दोपहर को। और मेरा हिस्सा? आपका हिस्सा भी मिल जाएगा, क्यों चिंता करते हो? ठीक है। डार्लिंग आ रही है। मैं जहां भी जाऊं तू मेरे तो आगे खड़ा क्यों पावे? क्या पार्क में भी तेरे से पूछ के हुआ के मैं तो नहाना आया था स्विमिंग पूल में, तो तू मेरे आगे क्यों आवे बेर बेर? यही तो तेरे मेरे बीच का प्यार है डार्लिंग, जो हमें बार बार टकराने पे मजबूर कर रहा है। इसको महसूस कर डार्लिंग, महसूस। तू हमेशा ऐसी बात करते हो क्या? मैं वैसी ही बात करूं? अच्छा जी, जो मैंने वैसी बात कर दी ना। मैं तो कब से नहीं चाह रहा हूँ कि तू कुछ करे। तुम करते क्या हो? जो तू कह देगी मैं वही कर दूंगा। कोई अच्छी सी नौकरी कर लोगे तो कुछ सोचूंगी। मुझे की जरूरत है नौकरी की? क्यों, तुम्हारे पापा प्रधान है क्या? प्रधान तो वे पहले थे, उनकी बहुत इज्जत है इलाके में, अब तो वे MLA बनने वाले हैं। वाओ, पर आपको देख के तो ऐसा नहीं लगता। देख, मैं हूँ गांव का देसी छोरा, मेरे पे दिखावा नहीं हो रहा। अच्छा जी, दे देना नंबर। कान इधर लाओ। हाँ। ठीक है? है देखा, यही है फिट तरीका लौंडिया पटाने का। हंसगी ना? यस, रात को फोन करूंगा। ठीक है, सेटिंग तो हो ही गई है, मैं यहाँ रोज आता हूँ, तू भी आइए, यही मिलेंगे बढ़िया मौसम में। ये ठीक है, तुमसे रोज यही मिल लिया करूंगी। मुझे बहुत लौंडिया ने लैंड मारी पर मैंने किसी को घास नहीं घेरी। अब किसी और को मत देखना। बिल्कुल नहीं देखो। चलो अब घर चलते हैं। मुझे कौन सा वहाँ पढ़ाई करनी है जाके, आ यही बैठेंगे बात करेंगे। ठीक है, सेटिंग से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो पटाई में आई है, यही बैठ जा। अच्छा शॉपिंग पे कब लेके चल रहे हो? शॉपिंग पे जब तेरा जी करे जब चलिए, तू तो मेरी जान है ना। हाँ। जब मन करे जब चल दिए। कुछ कुछ तुम किसी सरकारी नौकरी का फॉर्म क्यों नहीं भरते? हाँ हाँ भराना, पिछले हफ्ते भरा फॉर्म, क्राइम ब्रांच में भर्ती निकल रही थी 12वीं के बेस पे थी, सोचा भर दूं। अच्छा किया, उसी के हिसाब से पढ़ाई भी करना। हाँ उसी के हिसाब से मैं पढ़ाई करूँगा और उसी के हिसाब से मैं अपनी किताब लेकर आया। ठीक है, वैसे कोरोना के चलते हुए ना मेरे जो एग्जाम होने वाले थे ना वे पीछे हट गए, तो कॉलेज का एग्जाम तो अभी है नहीं, तो सोचा घर घूम आऊं। अच्छा जरूर होकर आओ, और मेरे लिए क्या लेकर आओगे अपने गाँव से? हाँ कुछ कह तो सकता नहीं पर कुछ ना कुछ जरूर लेकर आऊंगा। मेरी याद नहीं आएगी? बहुत याद आएगी, याद तो जरूर आएगी, बहुत आएगी, लेकिन मेरा मन तुम्हारे पास है। जल्दी आना, मेरा भी मन नहीं लगेगा, फोन करते रहना। ठीक है। तुम्हारा दोस्त भी जा रहा है? हाँ। पिताजी नमस्ते। अरे मोहन आ गया बेटा। ठीक हो जी आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तूने कोई खबर भी ना करी भाई। खबर कहाँ तक करता, मैंने कई बार थारा फोन मिलाया, थारा फोन मिलता ही ना। अरे फोन कहाँ मिलता, फोन तो उठ गया, पता नहीं कहाँ जा लिया। मतलब? मतलब क्या बताऊँ भाई, पता नहीं फोन कहाँ जा लिया, वो तो पा ही नहीं रहा। अरे मोहन बेटा आ लिया तो? चाची नमस्ते। इनका फोन कहीं गिर गया। अच्छा चलो पिताजी, मैं थाली लेना या मिठाई लेकर आऊं, शुगर फ्री, इसे जरूर खाइयो। अरे बेटा मैं तो तुझे पता ही है कितना बीमार रहूं, मैं कहां खा लूंगा इसे, तू भी खामा खा खर्चे में पड़ा रहे। पिताजी थार तक बात ना हुई तो मेरा जी बिल्कुल ना लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना घर जाकर मिल के आऊं। अरे मोहन बेटा पर्चे हो लिए? चाचा राम राम। खुश रहा बेटा। चाचा कहां हुए पर्चे, इस कोरोना के चक्कर में सारे काम पीछे हट गए। अरे हो जाएंगे पर्चे भी, बैठ जा, बहुत दूर साथ थक रहा होगा, बैग वैग उतार दे, बैठ जा। उतार ले। हाँ। मिठाई लाया आयो। अरे वाह, सारे खाइयो। बहुत बढ़िया, मेरे लिए अभी थोड़ी सी बचा के रखियो। कोई ना हो जाएंगे पर्चे भी,
अब तो टाइम मिल गया, ढंग से पढ़ाई करिए और अच्छे नंबर लेकर आइए। हाँ जी बिल्कुल, ढंग से मेहनत करूँगा मैं, बस पिताजी की याद सी आ गई थी तो इस मारा मुझे आना पड़ा। बहुत बढ़िया करा। अभी अब तुम एक काम करो, मोहन के लिए नाश्ता बना दो और भैया के लिए गरम दूध। जी भैया। दवाई का वक्त हो रहा है इनका। हाँ जी। और बेटे तू भी नहा ले, बाद में नाश्ता करिए। बस मैं बैठ लूँ पिताजी, थोड़ा दो मिनट फिर नहा लूँ। ठीक है, बैठ जा बैठ जा। लाओ पिताजी मैं थारे पांव दबा दूँ। ठकरा होगा रहन दे, दिखाओ तो सही, तम नहीं करूँ जाओ। देख तो लू तुझे, कमजोर हो रहा बहुत। कमजोर तुम तो वैसे ही कहो जाओ, कमजोर 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 हो रहा बहुत, कमजोर हो रहा। देख आज भी तो सुकून सा मिला पैर में, कितना आराम आ रहा, कितना आराम आ रहा। अच्छा जा तू अब आराम कर ले, जा तू जा आराम कर ले, जा जा। ठीक है जी। हाँ भैया। एक काम करिए। हाँ जी। वो जालिया, उसके कोई भी आगे चोरी चारी का जिक्र ना कर दियो। बिल्कुल बिना भैया। कोई चीज भी ऊंच नीच छोरी ना कुछ ना बता दियो। ना भैया कुछ नहीं। देला हो जाएगा पढ़ाई कुछ नहीं में, चट जाएगा उसका। भैया इस बात की चिंता मत करो, उसे कोई कुछ नहीं बताएगा। कुछ बताने की। हाँ कुछ ना बताइयो। अब तुम आराम करो, लेट जाओ आराम करो। चलो ठीक है। हाँ। निश्चिंत रहो, हम जरा मोहन को देख लें। ठीक है। हमें पता बालक पे अगर कोई प्रेशर पड़ता है ना तो पढ़ाई से मन भटकता। ठीक है ठीक है। मोहन को चोरी का बता के क्या अपने पैर पर कुराई लगवानी है? बंदा भी यार। अबे तू फेरा लिया क्यों? घर ना मेरा यू। एक बात बताऊं, तू सीटी मत मारे करे, मुझे पुराना नौकर याद आ जावे अपना। क्यों बापू, इसमें भी मेरी गलती है, इस बात को तू सोच। परछामा पड़ जावे परछामा। अरे एक बात बताऊं, घर तो तेरा ही है पर तेरी करतूत ना इस गांव में रहने की, तू मुझे भी निकलवा के मानेगा इस गांव से। बापू खून पीजूंगा उस कुत्ते का जो तुझे कुछ कह दे, फायर के गिर दूंगा सारे को। रामे के कुत्ते ने परसों काटा मुझे, उसे देख फाड़ के। ठीक करा तेरा कुत्ते ने काटा, तू रामे की बहू को देखने गया होगा वहाँ। अबे भैया मैं उसका टोकरा उठवाने गया था गोबर का, तू तो हर टाइम ही सोचा है मेरे बारे में। ठीक करा वहाँ कुत्ता यार रामे का, रामे होता तो तुझे काट देता। चल चल छोड़ तू, ये बता तू जाएगा कब यहाँ से? घर में बजा ना हूँ, पहले काटने की सोच ले। मुझे तो न्यू लगे बापू, गाँव वालों से ज्यादा तू दुखी है मेरे। मुझे कोई दिक्कत ना है, गोधन से तू ठीक ठाक रहेगा तो किसी को कोई दिक्कत ना है। बापू एक बात बता रहा हूँ, उन दो का सिर मुझे जरूर पाड़ना जिसने तुझे मुझे बाहर पढ़ाने की सलाह दी। अबा उनमें से एक तो मर लिया, एक अस्पताल में पड़ा, उन्हें क्या मारेगा? अस्पताल में जाकर मारूंगा साले गुम्मा का जूता। अबे वो एक आध दिन का ही मेहमान है, उसे क्या मारेगा तू? तो मैं किसे पिटू, मेरे हाथ में तो खुजली हो रही है, बहुत दिन से कोई पिटाई ना। ले तेरे हाथों में खुजली हो रही, तू तेल लगा ले। बापू तेरे खुजली है के? चाचा। हाँ। फसल तो कुछ जोर भरी ना रही, देखियो ऊपर कोई ना उठ रही, इनमें कुछ दवाई सवाई लगवाओ, स्प्रे लगवाओ। अरे बेटा के बताऊं, एक तो ये बिजली टिक के ना चल रही, ऊपर जाए टाइम ये ट्यूबवेल खराब पड़ी रहा है, इस ट्यूबवेल का बोर भी बढ़वाना पड़ेगा। अच्छा तुम छोड़ न्यू बता, तेरी पढ़ाई क्या चल रही है? पढ़ाई तो ठीक चल रही चाचा, पर थोड़ा फोन ना मिलता। अरे भैया तुझे फोन का के बताऊं, जैसे कोई फोन बजाए सुसा कह ली हंगो जा। तो तुम इसे ठीक क्यों ना करवाते हो? अरे भैया जाऊंगा बाजार, जब ठीक करवाऊंगा। अच्छा तू न्यू कर, तू तना घूमिया, मैं खाद फिलवा दूं। चल ठीक है, चल ठीक है भैया घूमिया। ठीक है जी। ओ जितेंद्र जल्दी जल्दी सारा काम कर ले, नहीं तो ये मोहन का बच्चा है ना, सारा काम खराब करवा देगा हमारा। अरे कह तो तू ठीक रहा है, मगर जब तक मोहन यहाँ है इस बुड्ढे की सेवा तो करनी पड़ेगी, और जिस दिन मोहन चला गया उस दिन सारा खेल मैं खड़ा कर दूंगा। करना पड़ेगा। तू एक काम तो कर ले, जमीन के कागज काट ले। तो निकाल लूंगा मैं, तू काम देख मैं जाऊं। ध्यान से काम करिए, कदी दारू के नशे में सारा नाश कर दे। अरे है के चाचा। कौन सा चाचा? राम राम। राम राम आजा के गु, बता के बात है चाचा? ऊना थारा सिट्टी
ऊ पुलिया पे पड़ा, उसने खामपुर वालों की छोरी छेड़ दी, उसने ठाके ले आओ, उसका बाजा सा पार दिया उन्होंने। अरे यो भी कुछ ना कुछ कांड करता ही रहे, साला अपने मम्माओं पे गया बिल्कुल। चलो के फिर उसे लेने। चल आओ। अरे यू तो आ लिया, तू कह वैसे लोंडी छेड़ी है खामपुर वालों की। चाचा वहीं पड़ा था, ऐसी लग रहा था मुझे तो। साले शिकायत करना आया आपका, तेरा ही नंबर है, जा चला जा। ना कर शिकायत लेकर आया यहाँ। और बापू सुन ले, सब तो भाइयों को कुन्नम खून कर दिया, मन्ना कुन्नम खून फाड़ फाड़ के फेंक दिए। वो तो टाइम से पहले ठहर के ले गया उन्हें, ना सालों को ठाने वाला नहीं पता कोई। और जो तू मेरी लड़ाई देख लेता ना, तेरा सीना भी 56 इंच का हो जाता। अरे पर मुझे ये तो बता, तुझे उन्होंने मारा क्यों, तेरा बच्चा सा फाड़ दिया। बापू तुझे पता, जब 30-40 आदमी एक आदमी को मारे तो कहीं ना कहीं तो लगेगी। मन्ने भी सालों को कुकड़ी की झाड़ू चोर चोर के फेंक दिया नू। हाँ? अरे क्यों झूठ बोल रहे, मुझे तो लगा उन्होंने तेरा मारते मारते बैंड सा बजाया। बापू इसके हाथ में तो लगा 20 लाठी झेल रखे इस पे। और सुन, एक हाथ पे लाठी पड़ रही और दूसरे से मैं मुक्का बजा रहा, फाड़ फाड़ के फेंक दिए। और बापू एक बात बता, तन्ने तो अपने करवा लिए 3-3 ब्याह और रुकी एक नहीं, और मेरा तू एक के बारे में नहीं सोच रहा। मैं लोनिया ने छेड़ी तो तुझे छेड़ू या भैंस की डाल करूं मैं? अरे तेरे कर्म ही ऐसे, तुझे कौन देगा अपनी लड़की? तन्ने हमारे खानदान की परंपरा बिगाड़ दी। अरे हम हड्डियां तोड़ने वाले और तू लड़की छेड़ता फिरे। बकवाद मत करे बापू, मैं सारी जानू तेरे बारे में। उरा मोसा घर कितनी दूर है, उसे भी पता तू गंडे तोड़ती बार बीरबानियों ने पिटा और तू भी इस बार घसियारियों ने पिटा। लोनिया बाप चिट्टी, तू ऐसे ज्यादा बोल लिया। और बापू सुन, अगर अगले सम्मान तक मेरा ब्याह ना हुआ तो मैं तेरे पोस्टर छपवा दूंगा और किसी को लेकर साफ हो जाऊंगा। हे भगवान, कैसा लौंडा दे दिया तन्ने मुझे। इसी बात को लेकर तो भगवान से मेरी लड़ाई है कि कैसा बाप दिया मुझे। अगर कहीं बाप बदले जाते ना तो सबसे पहले बदल देता मैं तुझे। निकल जा मेरे घर से, चला जा दिल्ली, तेरे चक्कर में तो मेरे जूते लगेंगे। हर टाइम बौखलाए से फिरा जा भाई, निकल यहाँ से। बापू मैं जा रहा हूँ, अगला सामान ध्यान रखिए, आई लव यू। फिर बजा दी सिट्टी। हे भगवान, इसका नाम भी मैंने सिट्टी गलत ही रखा। क्या बात बेटा, चल दिया क्या? हाँ पिताजी, जो मेरे एग्जाम आने वाले हैं ना, तो उनकी तारीख लगे आने वाली है, तो जाना पड़ेगा। भाई तू ही भी तो आया और इतनी जल्दी चल दिया। अरे क्या बतावे, ये जो तेरे पर्चे वर्चे भी है ना, इन पर्चे वर्चों को बहुत बढ़िया दिए। अरे देख कुछ फल फूल भी खा लिया कर, देखिए क्या हाल बना रखा तेने अपना। यो पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना ध्यान रखे करो बस। अरे मेरा ध्यान रखने के लिए तो तेरे चाचा है, ये अपने आप देखो जाएंगे, मेरी फिक्र छोड़ दे, बस तू अपना पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है? नहीं अरे एक काम करिए, ले कुछ पैसे ले जा। पिताजी तुम पैसे रहने दो, पैसे है मेरे पे, इन्हें तुम धर लो, तुम अपना एक फोन ले लियो। मैं इतना परेशान हो जाऊं, थारा फोन मिला हूं, थारा फोन नहीं मिलता। कैसी बात कर रहा है बेटा, ये फोन भी तो इन्हीं का है, जब चाहे जब फोन कर ले। मैं थोड़ा रेंज की थोड़ी प्रॉब्लम है, नहीं तो बाकी तुम भी रहे। एक काम कर, ये सारे पैसे रख ले, रख ले। पिताजी तुम समझे तो करो। नहीं तो रख ले, फोन मेरा सब है, ये सब देख रहे। हाँ, ले जा, जा चला जा, किशोर आ चला गया, तुझे मैं ले जा। गाड़ी से बस में बिठाया हूँ। पर पिताजी एक काम करियो, दवाई टाइम पे ले लियो, ठीक है ना? बेटा यहाँ सब ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। चला चलो ठीक है पिताजी, अपना ख्याल रखियो। बेटा फोन उनके चक्कर में मत पड़ा, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान रख, बातें तो होती रहेंगी, मिलते तो रहे। मैं ठीक है जी, चला जाए, देर हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक ठीक है, चल। आजकल के बालकों को तो फोन चाहिए, फोन पर बात चाहिए। अरे नहीं, वो बहुत सुद्धा बालक है, फिर भी अपने बाप से बात करने का तो सबका मन कर रही है। फिर भी आजकल कम बात हो तो ही ठीक है, पढ़ाई से ध्यान भंग होगा। चलो ठीक है। अरे पहलवान आ गया भाई। आ लिया भाई। और गांव में सब ठीक ठाक? गांव में तो सब बढ़िया, पर मेरी गलती का मुकदमा जुड़ गया। कैसा मुकदमा? अरे मन्ना की लौंडी छेड़ दी और उसका भाई पीट दिया, उनके घर वाले ने मुझे और बापू को पंचायत में जोत दिया। अच्छा फिर? फिर के मैं और बापू अपने अपने लठ लेके पहुंच गए वहाँ। अच्छा फिर? फिर के लोंडी लड़ी छेड़ने में तो ऐसे ही हो, मेरी तो इज्जत बच गई, बापू को 2-4 जूते लग गए। अरे यार तने मोसा पिटवा दिया। मैं भी सालों को छोड़ू नहीं, पंजों पे भगा भगा के मारूंगा। हाँ खूब भगा भगा के मारिए और खुद भी भगिए पीछे।
यार एक काम कर सके तू? हाँ बता। यार भाभी के हाथ का खाना खवा दे, कसम से मजा आ जाएगा। बुला ले उसे, बना लेगी और खा भी लेगी। कह तो सही रहा तू, सही बात बिल्कुल। अब मिला तू? हाँ मिला। हेलो। हेलो। हाँ अच्छा सुनो। बोलो। आज आप कमरे पे आ जाओ, आपके हाथों का खाना खाने का बहुत मन कर रहा। ऐसे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें मुझे पे यकीन नहीं है क्या? चलो मैं आ जाऊंगी आधे घंटे में, पर ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। खाना खा के चली जाना। ठीक है, अब मैं रखती हूँ, जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। ओके। दैट्स राइट। वाह बेटे, मौज कर दी आज तो। यस। सिट्टी भाई तू दिक्कत क्यों मान रहा है? अरे किशोर। हाँ भैया। भाई अरे उसके सियामों का एक पंचायत सी है, मैं तो वहाँ जाऊंगा, एक डेढ़ घंटा लग जाएगा। ठीक है, मैं वहाँ हो जाऊँ, तुम काम धंधा देखते रहियो। गया बुड्ढा, बस अब यही मौका है, इससे बढ़िया मौका मिलेगा भी नहीं। चल बेटा। कहाँ हो सकते हैं? इसमें क्या है, इसमें देखता हूं। अरे बुड्ढे ने कहां रख दिए कागज? शायद ये हैं। ओहो बुड्ढा बड़ा शाना, तो यहां रखे हैं कागज। अब मौका मिल गया, अब बताएंगे बुड्ढे को भी हम क्या चीज हैं। चल अब भैया को बताता हूं। जितेंद्र, अरे जितेंद्र। अरे क्या हुआ किशोर, कैसे चिल्ला रहा? ये देख जमीन के कागज। वाह मेरे शेर, तैने तो कमाल कर दिया। एक काम कर, आज ही चलते हैं खतौली में, एक साहूकार है मेरे मिलने वाला। ठीक है, उससे बात करते हैं। चलते हैं, अपनी गाड़ी चलते हैं। और अपनी सी चलेंगे, और किससे चलेंगे? नीचे लेने गया था उसे, पता ना यहीं ले आऊंगा या कहीं और लेके उठ गया। आइए आओ ना। अरे राधा गुरु लाया, आई ना हूं। आइए आइए, स्वागत है आपका। थैंक यू भैया, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सुनाओ। मैं ठीक हूँ। अरे बैठने तो दे सिट्टी। हाँ मैं कौन सा तमें हत्ता भगा रहा हूँ, तुम बैठो, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा हूँ। एक काम करिए, इस गली में अगर ठंडी ना मिले ना, दूसरी गली में तलाइए। हाँ? लाइए बिल्कुल ठंडी। हाँ हाँ मैं ठंडी लेवा, और क्या, मैं हीटर पे गर्म करके ले रहा हूँ, तू ठंडा हो। बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। तो और के कारण आई है? तुम्हें अपने हाथों से खाना बना के खिलाने के लिए। मुझे अभी भूख ना है, जब भूख होगी तो बता दूंगा। तो जब भूख लगी आए तब मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। अच्छा। हाँ और क्या, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? आई थी, पर आप गाँव में थे। अगर मैं यहाँ होता तो आकर तुम्हारे गले लग जाती। अब तो मैं यही हूँ। पर अब याद नहीं आ रही है ना। तू एक काम कर, तू जा आश्रम में, मैं अपना रोटी वोटी अपना आप बना लूंगा। तुम्हें छोड़कर तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें कभी जाने भी नहीं दूंगा। लो आ गया आपका दोस्त। जी राम, 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 राम राम भाई, राम राम। आओ बैठो। तुम तो महेंद्र प्रधान जी के भाई दिखो। हाँ जी बड़े भाई हैं वो हमारे। तबीयत कैसी है वो उनकी? अजी उनका मामला तो बहुत खराब है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। ऐसी कौन सी बीमारी होगी उनका?
अजी उनका दिल खराब हो गया जी, वो बदला जाएगा। अरे यार वे तो ना कभी बीड़ी ना दारू कुछ भी नहीं पिया करते थे, तबीयत कैसे खराब होगी उनकी? बस जी जैसे ऊपर वाले की मर्जी, जो उसने लिख दिया, हमारा काम है उनकी सेवा करना, चाहे हमारा सब कुछ बिक जा, हमने तो दिल का जुगाड़ भी कर लिया, पर वो 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। बस जी इसलिए हम थार दुराए हैं, ये जमीन के कागज हैं, आप थोड़ी मदद कर दो हमारी। देखो भाई प्रधान जी के लिए तो किसी भी काम के लिए मना नहीं है, पर म्याद 4 महीने की होगी, ब्याज हर महीने देना होगा, सबसे तो लेता हूँ 3% का, लेकिन प्रधान जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, 2% का ब्याज लगेगा। ठीक है जी। एक बात सुन लो मेरी, अगर 3 महीने तक लगातार ब्याज ना आया ना तो जमीन भारी हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक। हर महीने ब्याज टाइम से दे दिया करेंगे। शिवांक 5 लाख रुपए रखे मेरी माँ, लेकर आ जा। अभी लाया। देखो भाई तुम्हें सारी कंडीशन बता दी मैंने, ब्याज एक भी महीने लेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी टाइम से मिलेगा, निश्चिंत रहो। ध्यान रखियो। लो सेठ जी, लो पकड़ो 5 लाख रुपए हैं जी, बाकी के पैसे में बैंक की किताब ला रहा, बैंक में जाकर भी दे दूंगा। ठीक है जी। ठीक है जी। पैसा लेते हैं यहाँ से निकल लेंगे हम। कैसी बात कर रहा, इतने से क्या हो रहा, अभी तो जमीन घर वर सब कुछ बेचना, 3 महीने का टाइम है अपने पास। सब कुछ बेच देंगे। चलो भाई चलो। अरे क्या आप बता कि कैसे नौकरी मिला फिर है? अरे मेरी जान मेरा सपना पूरा हो गया। कौन सा सपना? राधा का बाप मान गया के, पर उसके तो बाप ही ना। तेरे भाई का नंबर क्राइम ब्रांच में आ गया। ओ बेटे मजा आ गया, अब तो खुलेआम लड़की छेड़ूंगा। अरे चुप, पहले पिताजी को बता दूं। हाँ। चाचा 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 ये रहा चाचा। अरे कौन है साले, इस मोहन ने भी खोपड़े खा रखा है। तो कितने फोन मिले जाइए, हम तेरी बात होने ना देवे। यू चाचा भी कभी फोन उठाता ही नहीं। हाँ। चल घर बाद में बता दूंगा, मैं फोन करता हूँ मेरी राधा को। वाह बेटे मेरी राधा, अबे फोन पे बताने की बात ना यू, मिल के बताने की बात है। जो खुशी देखेगा ना उसके चेहरे पे, वो होता है सच्चा प्यार। आज पहली बार है ना तेरे दिमाग में कोई बहुत अच्छी बात आई है। पार्क में बुलाता हूँ और मिठाई लेके चलेंगे। अबे सस्ते आशिक, हम फुप्पी से मिलने जा रहे हैं, जो मिठाई लेके जाएंगे कोई महंगा सामान ले चलेंगे। हाँ ठीक है मैं बुलाता हूँ। बुला। हेलो। हाँ जी जनाब। जल्दी आओ पार्क में, कुछ भी करके, मुझे बहुत जरूरी काम है। इस टाइम धूप में, बहुत तेज धूप है, शाम को मिलते हैं ना? नहीं मुझे अभी मिलना है। अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। ठीक है चल चल। हाँ बताओ क्या बात थी? आप एक काम करो, पहले चॉकलेट खाओ। आज चॉकलेट डे है। चॉकलेट डे है क्या? अरे हमें ना पता, हमें ड्राई डे का तो पता है यार। बताओ ना क्या बात थी? वो मैंने क्राइम ब्रांच का जो टेस्ट दिया था वो क्लियर हो गया है। सच? हाँ सच। ये देखो। इतनी बड़ी खुशखबरी और तुम ये चॉकलेट के साथ दे रहे हो, कंजूस कहीं के। शाम को पार्टी चाहिए आज। हाँ हाँ पक्का। हे भगवान मेरी खुशी अब इनसे ही है, इनकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे।
अरे भाभी तू चिंता मत कर, मैं मौसा से बात कर लूंगा, वे मना ना करने के। तू बात करने की टाली मारी, मैं अपने आप बात कर लूंगा। तेरे कहने से तो पिताजी करते होंगे जब ना करने के। राधा मैं 120 दिन के लिए ट्रेनिंग पे जा रहा हूं, उसके बाद हमारा मिलना होगा। मेरे जन्मदिन में 4 महीने हैं, आज तक मैंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया। मैं चाहती हूँ तुम अपनी ट्रेनिंग पूरी करके मेरे सामने आओ और मेरा जन्मदिन मनाओ। जरूर मनाऊंगा और पहले तेरे पास ही आऊंगा। ए भाई तेरी गाड़ी का तो पहिया घूम गया भाई, मेरे चकनट कर चढ़ेंगे। अरे मैं भी चढ़ जाएंगे भाई, चलो। जितेंद्र, ओ जितेंद्र, क्या हुआ भैया? इस बूढ़े को तो कोई काम नहीं, पूरे दिन थाली पड़े रहे हैं, बहुत दर्द है, कभी उल्टी कभी क्या कभी क्या, हमें तो परेशान करके रख दिया। दवाई ना खाई थी क्या आज? खाई थी भाई, पर दर्द बहुत है, डॉक्टर के ले चल, डॉक्टर के ले चल। मरने दो इनको, चलो। पता नहीं कब पीछा छूटेगा। कमाल है यार, ये सारी लौंडियां कहां गई? कोई दिखाई ना दे रही, सारा ही मोहल्ला खा लिया यार, के फायदा ऐसी पहलवानी का? कोई बात नहीं, आज बापू की खबर ले लूला, यहाँ खर्चा भी खत्म हो रहा। बापू बापू बापू, हेलो हेलो, कौन? 4 दिन दिल्ली के रहन लगया, अपनी औलाद की आवाज भी ना पहचान रहा। बता कैसे फोन करा, घर तो ना रहे तू? बापू फिर खामोखा की बात, मुझे न्यू बता, मेरे घर आने से तुझे क्या परेशानी है? अरे सारी दिक्कत ये है, पहले तो कहीं से पिटो को उठा के लाओ, फिर इलाज कराओ, अलग से बदनामी कराओ, तुझे काम ही क्या है? जो तू मेरे बापू ना होता तो तुझे फोन पे ही ठीक कर देता मैं न्यू कह रहा हूँ, पैसे खत्म हो रहे, 10-12 हजार रुपए मेरे अकाउंट में गिरवा दे। पैसे गिरवाऊ 10 हजार? पर तू घर की तरफ कुछ झांक मत लिए। अरे बापू तू पैसे गिरवा दे, मैं आके के धार काट दूंगा। और सुन, जो तन्ने अभी पैसे ना गिरवाए तो तड़की मैं आ रहा हूँ और मैं देखूंगा तुझे। चल ठीक है। और बापू पैसे तू तो भेज लिए, पर एक काम और कर लिए, वहाँ कोई पिटने पिटाने काम मत कर लिए, कभी उठता तीर पकड़ ले, वहाँ कोई छुटाने वाला ना मिले, मैं ना आऊंगा, समझ गया? साले ने दुखी कर रखा था, जब से दिल्ली गया चैन से तो रह रहा हूं। अरे 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 सुनिए किशोर, कहने के बाद भी पैसे नहीं दिए था हमने। आ जाएंगे बाबूजी। एक बात सुन ले मेरी ध्यान से, खेत तो पता कर लिया कब जा हमने, आदमी भेज रहा हूँ अपने, अरे घर थरा खाली करवाकर ताला मारूंगा सुमा। टाइम से खाना खाना और अपना ध्यान रखना और रोज फोन करना, अब तुम मेरी अमानत हो। हाँ हाँ तू चिंता मत करे। हाँ मुझे पता है, तो साथ ही चलो ना। अभी नहीं, साथ तो दुल्हन बनकर ही जाऊंगी। थोड़े दिनों की तो बात है, तुम मन क्यों भारी कर रही हो? मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पर डर लगता है कहीं मेरा नसीब तुम्हें मुझसे दूर ना कर दे।
तुम जाते वक्त उल्टी सीधी बातें तो करो मत। मैं यूं गया और यूं आया। एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। जान हो तुम मेरी मोहन, अगर मुझसे दूर हुए ना तुम तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ऑटो। आओ भैया, आपको बाथरूम करा लाऊं। भैया मोहन। क्या हुआ भैया? मोहन को क्या हुआ भैया? पुलिस वाला आया था खबर देने। क्या बात हुई? कह रहा था मोहन को कोरोना हो गया और उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। किशोर। मोहन दम तोड़ गया। मोहन दम तोड़ दिया। मोहन किशोर नहीं, किशोर तू झूठ बोल रहा है। किशोर नहीं भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। किशोर झूठ बोल रहा है। नहीं भैया, किशोर झूठ बोल रहा है। अपने भाई के साथ सब मजाक न कर, क्यों बर्दाश्त न कर पाए किशोर? ऐसा मजाक मत कर, ऐसा मजाक। देखिए बुढ़े का काम हो गया क्या? साहूकार के आदमी आ रहे हैं। हाँ कहीं ऐसा ना हो हमें दिक्कत हो जाए। कौन सा मैं अंदर? भैया देखो कोई आया। भैया पैसे कब देगा? कौन हो तुम? ऐसे पैसे? वही जो सेठ जी से मंगाए थे बीमारी के नाम के। बीमारी के नाम के? तेरे ये भाई लाए थे, बता कब देगा? 3 दिन का टाइम है, जमीन पे कब्जा कर लेंगे। तेरे भाई ने साइन कर रखे और पूरे 30 लाख ठा रखे। 30 लाख रुपए? साहूकार से ले? हाँ पूरे 30 लाख। हमारा काम था बताना, 3 दिन का टाइम दे दिया, या तो पैसे दे दो नहीं तो जमीन और घर सब बाबूजी का हो जाओगा। समझ गया? याद रखिए। चल भाई। बुढ़े मोहन तो मर गया, अब तू उस घर का क्या करेगा, इस जमीन का क्या करेगा? अब ये जमीन और घर हमारा, हम इसे बेचे। किशोर, तुझे बड़े भैया से बात करने की तमीज नहीं है? बड़े भैया से ऐसे बोलते हैं? अरे बुड्ढे। मोहन तो मर गया, और तू इतना सज धज के क्यों रहता है रे? लाचारी की जिंदगी गुजारनी पड़ी, दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया तूने, भिखारी बना दिया। भिखारी बना दिया? पूरा भिखारी बना दिया तूने हमें।
तू बड़ा जलील है, अब तक मरा नहीं। अरे बुढ़े तू और वो तेरे त्रिया त्रितर, पता नहीं कहाँ से गंदा खून लेके आई थी, मर गया रांद कटी। तू भी जी के क्या करेगा, मर जा बुढ़े। 18 साल हमारे खराब कर दिए, अब हम लेंगे मौज। और सुन, सारा माल निकालते हैं और निकलते हैं यहाँ से। मरने दे बुढ़े को, आराम से मर। अरे छोड़ ना, मरने दे। कहाँ रह गए आज ये? वैसे तो रोज मेरे आगे ही खड़े पावे थे। इतनी देर में क्यों आए हो? तुमने भी तो रात फोन नहीं उठाया था। मैं तो जल्दी सो गई थी। तो मैं सो के लेट हूँ क्या, इसलिए लेट हो गया? जवाब तो हर बात का है मेरे अकलमंद पे। ओए होए, आज तो अपना बता रही है। अब मेरे हो तो अपना ही कहूंगी, या और भी है कोई थारी? ना, अब तो सबको ब्लॉक कर दिया मैंने। ऐसे कितनी थी थारी? थी तो बहुत, पर रिप्लाई किसी ने नहीं दिया। जाओ उन्हीं के पास, मुझे नहीं रखनी तुमसे दोस्ती। अजी हाँ, ऐसा कैसे ना रखनी, ऐसा मारवा रहे आपका मुँह पे, फिर किन की हार नाचेगी? मुझ पर हाथ उठाओगे? ना मेरी जान, तुझे नहीं पीट सकता, सच्चा मर्द है सिट्टी, औरत पे हाथ नहीं उठाता। सच कह रहे हो ना? सच कह रहा हूँ, आई लव यू चांदनी, तू मेरी जान है, तुझे तो मैं चांदी की डब्बी में बंद करके अपने दिल में बसाऊंगा। यस। बांगर वाले खेत में ना मक्का बो रखी थी, वा भी लगभग तैयार हो गया, उसे कटवा दिया।
सिटी। अरे सोरा दिखे सिटी। अरे कौन सा है दफेरी का? अरे कोई और भी आना था के? देखता हूँ कौन है। अरे मेरा यार आ गया, मेरी जान आ गया। आजा 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 मेरी जान। हाँ और बता क्या हाल है तेरे? अरे भाई हाल के, अकेले का जी नहीं लगता यार। तू बैठ मैं चाय धर लूं। अरे पहले पानी तो पकड़ा दे। हाँ बैठ। भाई वाह कमरा तो एकदम चमका रखा है। भाई वाह सिट्टी सुधर गया भाई सिट्टी तो। ले भाई पानी पी दोस्त। अरे भाई राधा से मिली आया? अरे ना यार कहाँ मिला मैं उससे। आज उसका जन्मदिन भी है। आज उसका जन्मदिन मना के सीधा शाम को गांव में जाऊंगा। जब से ट्रेनिंग पे गया हूँ ना पिताजी से बात हुई ना उससे। मुझे पता मैंने ट्रेनिंग कैसे कैसे पूरी करी है। हाँ तो एक काम करिए शाम को केक कटवा के और परे से निकल जाइए। सही कह रहा। चल और बता भाई सिटी सब बढ़िया? और बढ़िया भाई फर्स्ट क्लास। बाकी लहू सफाई में लगा रहे हूं। और बता क्या करूं? ना आप जब आया देखा मन ने कि रूम बिल्कुल चमका रखा। क्या बात है। बस और सुना गांव में सब बढ़िया? हाँ जी अब तो सब ठीक है शांति है। अब तो कोई उलहन आया गांव में? तो ना कोई फाइट तो ना कर दिया? अब कर दिया हो तो कर दिया। मुझे तो पता नहीं मैं तो यहाँ पढ़ा हूँ। अच्छा पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ। चलो तो कोई फाइट ना भाई सिटी। मेरा कोई फाइट नहीं है जी। ना सही है पढ़ते रहो। हाँ सिट्टी विट्टी कम कर रखी बजा रहे हो? सिट्टी बजा दूं कभी ताल सी देख के वैसे कम कर रखी है मैंने। चलो ठीक है शाम को चलते हैं ना केक काटने। बिल्कुल दोनों चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है। और दोनों बस मैं कपड़े बदल लूं। ठीक है बदल ले। भाई एक बात तो बता हम यहाँ किसी की कोठी नहीं लेके आए गए। अरे तो चुप मर ले हमेशा यही बात रखे। अली राधा हैप्पी बर्थडे। राधा हैप्पी बर्थडे जी। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो? मैं भी एकदम बहुत अच्छा हूँ। अरे बैठने देना लो आओ बैठो परे को हो जाए यार सिट्टी। आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ। और ट्रेनिंग कैसी रही आपकी? ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी रही लेकिन पिताजी और तुम्हारी बहुत याद आई। अच्छा हाँ के हो गया? अरे मूसा जी
कैसे मोहन मेरे बच्चे, मैंने तेरे चाचा को मैंने कहा था तू झूठ बोल रहा है, मेरे मोहन को कुछ नहीं हो सकता, मेरे मोहन को कुछ नहीं हो सकता, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे क्या बच्चे? हुआ था पिताजी, अब मैं क्राइम ब्रांच का एक अधिकारी बन चुका हूँ और मैं उन कमीनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो संसार के किसी भी कोने में छिप जाए। राधा, ये मेरे पिताजी हैं और ये यहाँ कब से हैं? जिस दिन तुम ट्रेनिंग पे गए थे उसके 2-3 दिन बाद ये यहाँ आए थे। बेटा, तुम एक दूसरे को जानते हो? मोसा, यू राधा है मोहन की पक्की दोस्त। तू रहने दे, मैं अपना आप बता दूंगा। पिताजी, राधा को तो आप जानते ही हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हम दोनों शादी भी करना चाहते हैं। बेटा, एक बात बताऊं, इसने मेरी बहुत सेवा की, बहुत अच्छी नेक दिल बच्ची है ये, इसने मेरी बहुत सेवा की और इसने ही मुझे ठीक किया, अगर ये ना होती ना तो मैं मर जाता। पिताजी, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, पिताजी।
शौक है ना तुझे पैसे गिनने का? तू है कौन? तेरी हिम्मत कैसे होगी इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? तू जानता नहीं अभी मदन ढंग को, अलग मत जबान खींच लूंगा। मैं उस बाप की औलाद हूँ जिसने तेरा साथ उस टाइम दिया जब तेरा बेटा घोटाले के केस में जेल जाने वाला था, और तू दुनिया के सामने हाथ जोड़ता फिर रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था, और तूने उस देवता जैसे इंसान के साथ क्या किया? उसे मजबूर कर दिया, चंद रुपयों की खातिर तूने दर दर की ठोकर खाने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया, दुनिया समाज के सामने बेइज्जत किया। नजरे ऊपर कर एहसान फरामोश, तुझे अब शर्म क्यों आ रही है? 30 लाख की जगह मैं तुझे 60 लाख रुपए दूंगा। लौटा सकता है मेरे पिताजी की इज्जत? है तेरे में दम? है तेरी औकात? करने को तो मैं बहुत कुछ अब भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे सिर्फ माफ करना सिखाया है, इसलिए तू यहाँ खड़ा है, वरना जेल की सलाखों के पीछे होता, उन लोगों के साथ होता जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जीती रहे बहू, जीती रहे। पिताजी चाय लियो? ना बेटा, चाय तो रहन दे। पिताजी कुछ तो ले लो। अच्छा एक काम कर, गरम पानी ले आ। अच्छा पिताजी, ठीक है। जा। पिताजी नमस्ते। ठीक भी हो? कैसे खांस रहे हो? बस बेटा ठीक हूँ। और बता तू क्या ले आया? मैं माँ वाले है ना, जो जेवर वहाँ कोर्ट में फंसे पड़े थे वे रिलीज करवा कर ले आया। बेटा यू तो अच्छा वाले भी ले आया। अपनी माँ की सारी निशानी ले आया। अच्छा ये भी आ गई। अरे मेरा बेटा, अरे अंगूठी भी ले आया। हाँ जी। पिताजी अब मेरे दिल को शांति मिल गई। इसमें माँ के जेवर हैं, इन्हें तुम धर लो। ना बेटा, अब एक काम कर, इन्हें अपने पास रख, जा इन्हें अंदर सुरक्षित रख दिए कहीं। पिताजी तमी धर लेते, मैं क्या करूँ इनका? बेटा अब तो थारी जिम्मेदारी है, तमी रखो, तमी रखो। जा बेटा ले जा। रखिए यार सुन, हाथ मुंह धो ले, थक गया होगा, पसीने आ रहे। थारी तबीयत ठीक है अब? हाँ मैं ठीक हूँ। मुसा राम राम। राम राम सिट्टी, बैठ जा। राम राम। कब आया बेटा?
अभी आया हूँ जी। अच्छा, जिसने करे थे बुरे काम हाँ उनका बन गया तिहाड़ में धाम। अच्छा, इसी बात पे खाओ मिष्ठान, खाओ खाओ ना। तुम तो एक एक किलो मिठाई एक जगह खड़े होकर खा ले थे, आज की बात होगी। डॉक्टर ने मना कर दी के बेटा सिट्टी, इस बात की मिठाई, इस बात की मिठाई, आज मेरे खून के रिश्ते जेल में बंद है, इस बात की मिठाई में खाऊं या इस बात की मिठाई में खाऊं कि मेरे अपने आज जेल के सीखों के पीछे खड़े हैं। अरे सोच, उस जमाने का आदमी हूं जब बार दाने कम थे, सामान कम होते थे, रुकने की रहने की जगह कम होती थी, मगर लोगों के दिलों में जगह होती थी, आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार होता था। आज आज हमारे पास कितने बड़े घर हैं, कितने बड़े बारदाने हैं, मगर आज उन्हें बरतने वाले लोग नहीं है। इस मकान में कमरे कितने हैं, लेकिन इनमें रहने वाला कोई नहीं है। वे लोग अच्छे थे या बुरे थे, जैसे भी थे, लोभी थे, लालची थे, मगर मेरे अपने थे, मेरा अपना खून थे। उनमें पिछले 4-5 महीनों में दिन नहीं युग जिए हैं। वो जैसे भी थे लालच में करते थे, पर मेरी सेवा करते थे। मैंने एक परिवार जिया है, मैं जानता हूँ एक परिवार की कीमत क्या है। अरे जिस दिन मैं मर जाऊंगा ना, जिस दिन मरकर मैं ऊपर जाऊंगा, और जब हमारे पुरखे मुझसे पूछेंगे ना कि जब खून के रिश्ते जेल के अंदर थे तब मिठाई खा रहा था, क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें। अरे आखिर इस जिंदगी का मकसद क्या है, क्या है इस जिंदगी का मकसद। अरे एक तरफ हम जिंदा हैं तन्हाइयों को खा खा कर, और एक तरफ हमारे अपने हमारी मौत का समय देखते हैं कि कब हमारी आंखें बंद हो और ये धन संपत्ति उनकी हो जाए। आज घरों में झांक कर देख लो, खाली पड़े हैं मकान, आदमी मौजूद नहीं है उनके अंदर, क्या जिंदगी है। आज जब हमें रिश्तों की जरूरत है, भाई बंधुवर की जरूरत है, वे जेल में बंद है। सिटी में मिठाई खा लू भाई, मैं मिठाई खा लू, बहुत बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ चाचा और चाची की जमानत करवाने, अपना केस वापिस लेने। भगवान उन्हें उनके कर्मों की सजा खुद देगा। वो जैसे भी है तो अपने ही पराए नहीं। रुक जा मोहन, मैं भी चल रहा हूं। तेरे पराए तो मेरे पराए, तेरे अपने मेरे अपने, अब तो तेरे संग जीना तेरे संग मरना, और फिर मेरे बिना के सिट्टी बजे, जय बाबा की। चल
दिखाई दे।